गुड आफ्टरनून uh, आज ये सेशन uh, उन लोगों के लिए है जो टेक्निकल एनालिसिस uh, को बेसिक से समझना चाहते हैं थोड़े बिगिनिंग uh, लेवल से हम लोग शुरू करेंगे uh, जिन लोगों को टेक्निकल uh, एनालिसिस के बारे में ज़्यादा नहीं पता है आज उन लोगों के लिए ये सेशन रखा गया है सो so, uh, आज ये सेशन uh, आप लोग देखें और समझने की कोशिश करें कि कैसे टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू स्टॉक ट्रेडिंग की जा सकती है और कितनी हेल्पफुल हो सकती है ऑल हम रोज़ आपको कुछ सॉफ्टवेयर्स के थ्रू ट्रेडिंग करके दिखाते हैं जो कि टेक्निकल एनालिसिस सॉफ्टवेयर्स ही हैं बट ऐसे सॉफ्टवेयर्स टेक्निकल एनालिसिस के एल्गोरिथम से बनाए जाते हैं जो कि ट्रेडिंग मार्केट्स में काफ़ी हेल्प करते हैं हम आपको आज थोड़ा बेसिक दिखाएंगे कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है क्यों यूज़ किया जाता है कितने टाइप के टेक्निकल एनालिसिस के एल्गोरिथम्स होते हैं उन सब के बारे में एक ब्रीफ़ ओवरव्यू देंगे सो so, जो लोग बहुत बेसिक लेवल से ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए ये अप्रोप्रिएट सेमिनार है वेबिनार है सॉरी सो uh, so, आज जिन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे उनका एक रिकैप दिखाएंगे आपको सो so, आज हम इन जनरली इन टॉपिक्स के ऊपर हम आज बात करेंगे ये टॉपिक्स हम कवर करेंगे आज के वेबिनार में इंट्रोडक्शन टू टेक्निकल एनालिसिस ओपन इंटरेस्ट डाउ थ्योरी टाइप्स ऑफ चार्ट जैपनीज कैंडल स्टिक पैटर्न इंडिकेटर एंड ऑशिलेटर्स लीडिंग एंड लेगिंग इंडिकेटर आर एस आई हाउ टू कैलकुलेट आर एस आई हाउ टू जनरेट बाय एंड सेल सिग्नल एंड हाउ टू यूज टेक्निकल एनालिसिस सॉफ्टवेयर काफ़ी ब्रॉड टॉपिक्स हैं अगर आज वेबिनार में कवर किए जाएंगे तो अच्छा अगर टाइम रहा तो आज ही कवर करेंगे सारे अदरवाइज़ इसको एक और दिन शेड्यूल uh, करेंगे सो uh, so, uh, सबसे पहले शुरुआत करेंगे इंट्रोडक्शन टू टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है टेक्निकल एनालिसिस कैसे हम एनालिसिस uh, करते हैं तो बेसिकली दो तरीके के एनालिसिस अवेलेबल है एक फंडामेंटल एनालिसिस है और एक टेक्निकल इन जनरली फंडामेंटल एनालिसिस सारे लोग जानते हैं ज्यादातर फंडामेंटल एनालिसिस बेसिकली कंपनी के बैकग्राउंड्स के ऊपर बेस्ड है कंपनी के प्रॉफिट रिजल्ट कंपनी के प्रमोटर्स बैकग्राउंड कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कंपनी की लाइबिलिटीज कंपनी का फंडामेंटल लेवल पे क्या परफॉर्मेंस रहा है उस लेवल पे एनालिसिस करने का जो मेथड है उसको फंडामेंटल एनालिसिस बोलते हैं ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा मददगार नहीं है uh, दूसरा एनालिसिस टेक्निकल एनालिसिस है जिसमें कि हम uh, कुछ टेक्निकल स्टडीज़ के थ्रू स्टॉक मार्केट को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं या पर्टिकुलर स्टॉक को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं सो so, एस्पेक्ट आज हम टेक्निकल एनालिसिस कवर करेंगे हमारा मानना है कि टेक्निकल एनालिसिस स्टॉक ट्रेडिंग के लिए एक अप्रोप्रिएट मेथड है इन्वेस्टर्स इन्वेस्टर्स के के लिए लिए इतना मेथड मेथड नहीं है uh, के लिए करना, uh, है फंडामेंटल एनालिसिस करना जो लोग शेयर्स में फंडामेंटली इन्वेस्ट करते हैं वो लोग कंपनी के बैकग्राउंड्स को स्टडी करें कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस को देखें लाइबिलिटीज को देखें कंपनी का बैकग्राउंड देखें कंपनीज का प्रमोटर्स को देखें कंपनी कितने प्रॉफिट करती है कितना लॉस करती क्या बनाती है किस किन कहाँ कहाँ उसकी जोग्राफ़ी है सो so, ये सब चीज़ें फंडामेंटल में है एक से लेके पाँच साल के होराइजन के लिए जो लोग शेयर रखते हैं उनके लिए ठीक है ये बट टेक्निकल एनालिसिस में वो लोग जो आज ही प्रॉफिट लेना चाह रहे हैं आज ही ट्रेड लेके या उसको दो चार पाँच दिन तक होल्ड करना चाहते हैं उनके लिए टेक्निकल एनालिसिस एक बहुत ही मददगार टूल है सो so, टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली क्या है इसको समझने की कोशिश करें टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली एक तरीके से एक साइंस है Uh, इसको हम आर्ट एंड साइंस बोलते हैं uh, ये बेसिकली फोरकास्ट करने के लिए यूज़ करते हैं स्टॉक किसी भी स्टॉक का फॉर फ्यूचर प्राइस ऑन द बेस ऑन द बेसिस ऑफ सम सम फैक्टर्स विच आर पास्ट प्राइस आल्सो पुराने डेटा को देखते हुए uh, एक पर्टिकुलर स्टॉक या मल्टीपल स्टॉक का प्राइस को फोरकास्ट करना ही टेक्निकल एनालिसिस का मेन ऑब्जेक्टिव है बेसिकली कोई एस्ट्रोलॉजी नहीं है ये ये बेसिकली डिमांड सप्लाई के बेस पे हम लोग देखते हैं कि टेक्निकल पैरामीटर जितने भी टेक्निकल पैरामीटर्स हैं सो so फोरकास्ट करने के लिए डिमांड देख सकते हैं फोरकास्ट करने के लिए सप्लाई प्राइसिस वॉल्यूम ओपन इंटरेस्ट पैटर्नस इंडिकेटर्स ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं सो so इसी लिए हम इसमें एक पर्टिकुलरली चार्ट्स फॉलो करते हैं हम टेक्निकल एनालिसिस में स्टॉक मार्केट के चार्ट्स देखते हैं सो चार्ट्स बेसिकली एक टाइम फ्रेम पे बेस्ड रहते हैं Uh, जिसमें एक मिनट पांच मिनट दस मिनट तीस मिनट साठ मिनट डेली मंथली वीकली ऐसे या इयरली ये टाइम फ्रेम है बेसिकली डेटा का कितना टाइम फ्रेम हर हर चार्ट का कोई ना कोई टाइम फ्रेम होता है तो चार्ट्स के बारे में हम बात करेंगे अभी सो टेक्निकल एनालिसिस में बहुत इंटरवल है टाइम इंटरवल टाइम टाइम फ्रेम जो है वो बहुत एक बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इससे हम लोग डिटरमाइन uh, करते हैं कि uh, जो, जो लोग एनालिसिस कर रहे हैं Uh, या करना चाहते हैं वो ऑफ कोर्स चार्ट्स देखेंगे चार्ट्स का एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम होगा जो कि मैं आपको बता चुका हूँ वो एक या पाँच मिनट दस मिनट या साठ मिनट डेली वीकली मंथली हो सकता है उनके ऊपर हम लोग अप्लाई करते हैं टेक्निकल पैरामीटर्स सो चार्ट्स को अभी हम आगे वाले आने आने वाली स्लाइड्स में कवर करेंगे सो so अभी सबसे पहले हम ओपन इंटरेस्ट बताएंगे कि uh, सबसे पहले ओपन इंटरेस्ट क्या होता है काफी यूजफुल प्रोपोजिशन है एक पर्टिकुलर टाइम में कितने कितने ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स अभी फिलहाल स्टैंड करते हैं इस इसको ओपन इंटरेस्ट बोला जाता है ज्यादातर एफ एन ओ मार्केट में फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट में ये एप्लीकेबल है सो so, यानी कि आप किसी भी स्टॉक का ओपन इंटरेस्ट देख सकते हैं ओपन इंटरेस्ट का मतलब है इन जनरल वे में कहें तो यही माना जा कि, कि कितनी पोजिशन अभी स्टैंड कर रही है कितनी पोजिशन जो है अभी अभी क्लोज नहीं हुई है कितने लोगों ने अपने अपने पोजीशंस को ओपन रखा हुआ है तो ये स्ट्रेट ओपन इंटरेस्ट की फिगर से देखा जा सकता है सो ओपन इंटरेस्ट बढ़ सकता है ओपन इंटरेस्ट घट सकता है ओपन इंटरेस्ट अनचेंज भी हो सकता है सो ओपन इंटरेस्ट जनरली फिगर्स में दिखाया जाता है जैसे दो लाख पंद्रह या पचास लाख ऐसे ओपन इंटरेस्ट आता है हर स्टॉक का एक ओपन इंटरेस्ट होता है हर डे का जो कि घटता बढ़ता रहता है सो so हो सकता है कि मॉर्निंग में पचास लाख लोग अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को ओपन करके बैठे रहे लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जैसे जैसे टाइम बीते और वो लोग अपने प्रॉफिट्स को एकमुलेट करें और ओपन इंटरेस्ट कम हो जाए सो ओपन इंटरेस्ट ज्यादा होना इस बात का एविडेंस है कि अगर ओपन इंटरेस्ट किसी स्टॉक में ज्यादा है सो so ये नहीं कह सकते कि ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है तो स्टॉक बढ़ेगा ही बढ़ेगा ओपन इंटरेस्ट कम है या ज्यादा है ये डिपेंड प्राइस के बेस पे करता है सो so हम ओपन इंटरेस्ट को कैसे देखते हैं कैसे चेक करते हैं वो हम आपको दिखाएंगे सो ओपन इंटरेस्ट काफी टेक्निकल प्रपोजिशन है जिसके बेस पे uh, ट्रेडिंग की जाती है सो ओपन इंटरेस्ट में हम खाली ओपन इंटरेस्ट को नहीं देख सकते आपको बेसिकली पता ये लगाना है कि ट्रेंड uh, कैसा रहेगा किसी भी स्टॉक का या तो वो बुलिश रह सकता है या बेरिश रह सकता है या शॉर्ट कवरिंग के थ्रू मान लीजिए किसी वजह से प्राइस बढ़ रहा है शेयर का अब यहाँ पे दो सूरतों में बताया गया है कि प्राइस बढ़ रहा है देखिए यहाँ पर ये दो दो, दो प्रपोजल्स हैं जिसमें बताया गया है कि प्राइस बढ़ रहा है बट ये प्राइस किस वजह से बढ़ सकता है ये प्राइस या तो बुलिश मार्केट है उस वजह से बढ़ सकता है या शॉर्ट कवरिंग की वजह से बढ़ सकता है और ये दो दो कंडीशन दिखाई दिखाएंगे जिसमें प्राइस गिर रहा है सो so ये ये वाला फैक्टर सबसे पहले ओपन इंटरेस्ट है ये वाला दूसरा फैक्टर प्राइस है तीसरा फैक्टर ट्रेंड है तो हम इन दोनों फैक्टर्स को डिटरमाइन करते हुए ट्रेंड को डिटरमाइन कर रहे हैं सो so कैसे अगर मान लीजिए कि ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है इसका मतलब पहला पहला प्रपोजल डिस्कस करते हैं कि पहले प्रपोजल में मान लीजिए ओपन इंटरेस्ट दो लाख थे अब दो लाख पचास हजार हो गए हैं सो ओपन इंटरेस्ट में जो एडिशन हुआ है वो पचास हजार कॉन्ट्रैक्ट का एडिशन हुआ है सो so, इसका क्या मतलब है कि पहले दो लाख लोगों ने पोजिशन स्टैंड ली हुई थी एक शेयर में बट वो अचानक 50,000 लोगों ने और 50,000 शेयर और बढ़ गए उस कॉन्ट्रैक्ट में इसका मतलब कुछ लोगों ने एडिशन किया है अपने अपने अपने, अपने लॉट्स को बढ़ाया है तो इसका मतलब इसका मतलब कुछ नहीं हो सकता इसका मतलब सिंपल ये कि ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है बट ओपन इंटरेस्ट बढ़ना से ट्रेंड डिटरमाइन करना बहुत ही मुश्किल है तो ये उतना ही मुश्किल है जितना कि हम प्राइस देखते हुए बता दें कि शेयर का प्राइस बढ़ेगा तो प्राइस देख के नहीं बता सकते प्राइस के साथ हम और भी चीजें कैलकुलेट करते हैं सो so, अगर ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है सो so, यानी कि ओपन इंटरेस्ट बढ़ता है पचास हजार शेयर और मानिए उसके साथ प्राइस भी बढ़ता है प्राइस भी बढ़ता है सो तो ये फैक्टर दोनों हो सकते हैं कि अगर ओपन इंटरेस्ट बढ़े और प्राइस भी बढ़े सो so, आप कह सकते हैं कि शेयर में एक बुलिश ट्रेंड है मतलब शेयर वो बढ़ सकता है लेकिन उस केस में ओपन इंटरेस्ट बढ़ना होना चाहिए मतलब पुराना अगर आप पिछले घंटे का ओपन इंटरेस्ट देख लें और इस घंटे का देख लें तो आपको ये इंक्रीज नजर आना चाहिए कि ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है सो so, प्राइस और ओपन इंटरेस्ट अगर एक साथ बढ़ जाते हैं तो टेक्निकल लेवल पे माना जाता है कि स्टॉक बुलिश ट्रेंड में आ गया है लेकिन कहीं ऐसा हो जिस केस में ओपन इंटरेस्ट तो बढ़ रहा हो यानी कि लोग अपने ट्रेड एड कर रहे हो लेकिन स्टॉक का प्राइस नीचे जा रहा हो So, ऐसा हो सकता है कि ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा हो ओपन इंटरेस्ट बढ़ने से मतलब आपको कई बार बता दिया गया पहले भी कि लोग अपनी पोजीशंस वाइंड ऑफ नहीं कर रहे हैं लोग अपनी पोजीशंस को बढ़ा रहे हैं मतलब नए लोग आ रहे हैं उस उस सिक्योरिटी को बाय करने यानी कि ओपन इंटरेस्ट बढ़ा हुआ है और स्टॉक का प्राइस घटा हुआ है यानी कि हम दो कॉम्बिनेशन ले रहे हैं ओपन इंटरेस्ट बढ़ने से अगर प्राइस गिरता है तो इसको ऐसे नहीं बोला जा सकता इसको ऐसे बोला जाता है ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है और प्राइस गिर रहा है दोनों अलग अलग फैक्टर है ओपन इंटरेस्ट बढ़ने से प्राइस गिर रहा है ऐसा नहीं हो सकता यह है कि ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है यानी कि लोग और आ रहे हैं लेकिन स्टॉक का प्राइस गिर रहा है तो so इसका मतलब क्या हो सकता है इसका मतलब ये हो सकता है कि स्टॉक जो है वो बीरिश ट्रेंड में स्टॉक बीरिश ट्रेंड ग, मतलब की तरफ जा रहा है मतलब स्टॉक गिरावट की तरफ जा रहा है एक सूरत ऐसी भी हो सकती है कि जिस केस में ओपन इंटरेस्ट गिर रहा हो मतलब लोग अपने सौदे स्क्वायर कर रहे हो ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा हो लेकिन प्राइस बढ़ रहा हो तो इस केस में लोग अपने सौदे लॉस में काट रहे हैं मतलब एक्चुअली में किसी वजह से लोगों ने अपने ट्रेड्स को गलत खड़ा कर दिया है और उस स्टॉक का प्राइस बढ़ना शुरू हो गया है इस वजह से लोग अपने सौदों को कम कर रहे हैं उसको बोलते हैं शॉर्ट कवरिंग यानी कि प्राइस तो बढ़ रहा है लेकिन प्राइस किस वजह से बढ़ रहा है वो इस वजह से नहीं बढ़ रहा है कि ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है वो इस वजह से बढ़ रहा है कि ओपन इंटरेस्ट घट रहा है लोग अपने सौदे लॉस पे मतलब लो, लोग अपने सौदे काट रहे हैं क्यों किस वजह से काट ओपन इंटरेस्ट तो तभी गिरेगा जब लोग लोग उसको अपने पोजिशन को स्क्वायर करेंगे सो अगर लोग अपने पोजिशन को स्क्वायर कर रहे हैं और प्राइस मूवमेंट तेज हो रही है इसको बोलते हैं शॉर्ट कवरिंग तो आती है मार्केट में कभी शॉर्ट कवरिंग कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी के आसपास आती है जब ये कंपल्शन रहती है कि सौदे काटने काटने लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ जब कंपल्शन होता है कि या तो कैरी कर लो सौदों को या लॉस में बुक कर लो तो उस दिन बहुत लोग अपने सौदे काटते हैं तो जिनकी वजह से प्राइस एक्शन अगर बढ़ता है तब ऑब्वियसली सौदे लोग क्यों काटेंगे दो रीजन से सौदे लोग काट सकते हैं या तो उनको प्रॉफिट हो रहा है या उनको लॉस हो रहा है अगर जिसको प्रॉफिट भी नहीं हो रहा और लॉस भी नहीं हो रहा वो अमूमन अपने सौदे को नहीं काटता है सो अगर अगर प्रॉफिट हो रहा है और ओपन इंटरेस्ट घट रहा है घटने का मतलब तो यही है कि पहले दो लाख शेयर का ओपन इंटरेस्ट था अभी एक लाख पचास हजार शेयर का हो गया इसका मतलब पचास हजार शेयर मार्केट में से कम हो गए हैं इसका मतलब लोगों ने उस, उसको बेच दिया है तो किस सूरत में बेचा जाएगा या तो प्रॉफिट के सूरत में बेचा जाएगा या लॉस की सूरत में बेच, बेचा जाएगा लेकिन अगर लॉस की सूरत में लोग तब बेचेंगे जब शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा लेकिन प्रॉफिट की सूरत में कब बेचेंगे प्रॉफिट की सूरत में कब बेचेंगे जब प्राइस नीचे जाएगा So, अगर ओपन इंटरेस्ट गिर रहा है और प्राइस भी गिर रहा है तो यहाँ प्रॉफिट बुकिंग है तो यहाँ भी लोग सौदे कम कर रहे हैं दोनों ही सूरतों में इन दोनों कंडीशन में लोग मार्केट लोग से बाहर निकल रहे हैं फर्क सिर्फ यही है कि इस कंडीशन में इस लॉस में भी निकल रहे हैं और इस कंडीशन में प्रॉफिट में निकल रहे हैं सो प्रॉफिट बुकिंग जब हो रही है तो लोग जब बाहर जा, तो जात, जा रहे हैं तो शेयर का प्राइस भी नीचे जाता जा रहा है जिस वजह से लोग प्रॉफिट में निकल के बाहर आ रहे हैं अगर शेयर का प्राइस ऊपर जा रहा होता तो ऑफकोर्स हम मानते हैं कि अगर लोग लोग क्यों बाहर निकल रहे हैं और शेयर का प्राइस ऊपर जा रहा है क्योंकि उनको उस सौदे से बाहर जाना है सो तो ये चार कंडीशन ओपन इंटरेस्ट के स्ट्रेटेजी में होती है ज्यादातर जिस वजह से ओपन इंटरेस्ट घटता अब ओपन इंटरेस्ट क्यों घटता बढ़ता है क्योंकि लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग करनी है लोगों ने लॉस की बुकिंग करनी है ओपन इंटरेस्ट ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक शेयर में मान लीजिए टेक महिंद्रा के शेयर में सुबह लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट था मतलब लाख लाख शेयर शेयर हुए हुए हैं हैं और किसी वजह से वो शेयर जो है वो पांच लाख रह गए तीन लाख लोगों ने अपनी पोजिशन एम कर दी है तो वो किस वजह से करी क्या वो लॉस में उन्होंने बुकिंग की या उन्होंने प्रॉफिट में बुकिंग की ये डिपेंड करेगा कि उस समय जब शेयर आठ लाख से पांच लाख तक का ओपन इंटरेस्ट आया तीन लाख शेयर घटे उस समय प्राइस का बिहेवियर क्या था सो so, जैसा जैसा प्राइस का बिहेवियर था वैसा वैसा उस केस में आ, उसकी ओपन उसका ट्रेंड डिसाइड किया जाए सो so, बेसिकली प्राइस और आ, प्राइस और ओपन इंटरेस्ट के कॉम्बिनेशन से हम लोग आ, क्या डिसाइड करते हैं हम लोग हम लोग ट्रेंड को डिसाइड करते हैं सो so, सो ओपन इंटरेस्ट के बेस पे भी ट्रेडिंग की जा सकती है सिग्नल बनाया जा सकता है खरीदने या बेचने का बट आपको दोनों चीजें ट्रैक कर रही है आपको ओपन इंटरेस्ट ट्रैक करना है जो कि आपको कहाँ से मिलेगा ये आपको ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे या सॉफ्टवेयर बताते हैं कि इस समय क्या ओपन इंटरेस्ट चल रहा है सो अगर अगर आपको बुलिश का सिग्नल बनाना है तो ओपन इंटरेस्ट और प्राइस दोनों को इनक्रीज फॉर्म में देखिए यानी कि जिस शेयर का ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा हो और उस शेयर का अगर प्राइस ये अगर हम एक घंटे का एग्जांपल ले लें सुबह सवा नौ बजे से सवा दस बजे तक तो अगर सवा नौ बजे तो ओपन इंटरेस्ट एक फिगर होगी कि मान लीजिए कि पांच लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है अगले घंटे में अगर वो आठ लाख हो जाता है यानी कि तीन लाख शेयरों का एडिशन हो जाता है शेयर में और उस समय प्राइस भी बढ़ रहा है तो उस केस में माना यह जाएगा कि शेयर शेयर का ट्रेंड बुलिश हो सकता है लेकिन अगर ओपन इंटरेस्ट में पांच लाख से आठ लाख शेयरों का एडिशन हो गया तीन लाख शेयर बढ़ गए और प्राइस एक्शन नीचे की तरफ चला गया इसका मतलब ओपन इंटरेस्ट क्यों बढ़ रहा है लोग सौदे क्यों ऐड कर रहे हैं लोग सौदे इस लोग सौदे बढ़ा रहे हैं और प्राइस एक्शन नीचे 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 जा रहा है इसका इसकी वजह क्या हो सकती है सो so, लोग जब सौदे बढ़ा रहे हैं और ओपन इंटरेस्ट नीचे की तरफ जा रहा है और प्राइस एक्शन नीचे की तरफ जा रहा है सो so ये मान रहे हैं कि लोग शॉर्ट पोजीशन खड़ी कर रहे हैं क्योंकि प्राइस एक्शन ओपन इंटरेस्ट किस वजह से बढ़ेगा सौदा तो बाईक का भी खड़ा हो कर सकते हैं और सेल का भी सो ओपन इंटरेस्ट देख के ये नहीं बताया जा सकता कि यहाँ बाइंग के सौदे ज्यादा खड़े हो गए हैं या सेल के सौदे ज्यादा खड़े हो गए हैं सिर्फ यही देखा जा सकता है कि वो तो ओपन इंटरेस्ट इज अ अम्बिनेशन ऑफ ऑल ट्रेड इसमें बाय के सौदे भी हो सकते हैं टोटल नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जिसमें बायर भी है सेलर भी है लेकिन प्राइस एक्शन के साथ डिटरमाइन किया जा सकता है सो so अगर ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है और प्राइस बढ़ रहा है तो मान लीजिए लोग प्लस के सौदे ऐड कर रहे हैं इसका शेयर ऊपर जाएगा अगर ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है और शेयर का प्राइस गिर रहा है तो लोग सेल के सौदे ज्यादा ऐड कर रहे हैं सो so, इसका मतलब आपको इस तरीके से ओपन इंटरेस्ट थ्योरी के अकॉर्डिंगली टेक्निकल एनालिसिस करना है और इसके अकॉर्डिंगली आप समझ सकते हैं कि ओपन इंटरेस्ट थ्योरी से आप कैसे एनालिसिस कर सकते हैं काफी पॉपुलर uh, थ्योरी है uh, काफी लोग यूज करते हैं बट uh, काफी ज्यादा स्पीड uh, से देखना पड़ेगा ओपन इंटरेस्ट इतनी जल्दी दिखाई नहीं देता है फ्रीक्वेंट चेंजेस इतनी जल्दी आते नहीं है आते भी हैं तो आपको उसके फिगर्स देखनी बड़ी मुश्किल रहती है प्राइस को जैसे लाइव देखा जा सकता है हर सेकंड का प्राइस देखा जा सकता है ओपन इंटरेस्ट हर सेकंड का देखना मुश्किल रहता है सो so, इसकी फिगर्स थोड़ी लेट आती है इस वजह से ओपन इंटरेस्ट को लगभग हम घंटे या दो घंटे के इंटरवल पे ही देख पाते हैं जैसे हम प्राइस को हर सेकंड के इंटरवल पे देख पाते हैं ओपन इंटरेस्ट को इतने छोटे लेवल पे नहीं देख पाते लेकिन कुछ ऐसे बहुत महंगे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं जो बिल्कुल रियल टाइम ओपन इंटरेस्ट की फिगर्स देते हैं लेकिन हम उतने महंगे सिस्टम में आपको प्रपोज नहीं करते कि जहाँ आप जाएं आप जनरली अभी समझ लें कि कैसे हो सकता है सो so, ये कुछ बेसिक्स हैं टेक्निकल एनालिसिस के डाउट थ्योरी भी बोलते हैं इसको सो छः छः पॉइंट्स हैं जिसमें इसको हम बेसिक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस बोलेंगे सो so, जो लोग टेक्निकल एनालिसिस पढ़ते हैं वो लोग ये ये चीज़ें मान के चलते हैं कि हाँ ये चीज़ें टेक्निकल एनालिसिस का बेस है सो इसमें सबसे पहला जो फैक्टर है दिस इज़ कॉल्ड प्राइस डिस्काउंट एवरीथिंग सो ओपन इंटरेस्ट के बाद अब हम आ गए हैं बेसिक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस सो जिस ऑर्डर में हमने आपको डिस्कस किया उसी ऑर्डर में हम चल रहे हैं तो so, जो लोग अभी रिसेंट ज्वाइन किए हैं उनके लिए एक बार हम दोबारा बता दें कि आज हम ये सब कवर करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू टेक्निकल एनालिसिस हम कवर कर चुके हैं ओपन इंटरेस्ट हम कवर कर चुके हैं अब हम डाउट थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं इसके बाद हम टाइप्स ऑफ चार्ट डिस्कस करेंगे फिर हम जैपनीज कैंडल स्टिक पैटर्न डिस्कस करेंगे फिर हम इंडिकेटर एंड ऑसिलेटर्स डिस्कस करेंगे और दोस्तों बहुत ही अच्छा लेंदी सेशन होने वाला है काफी कुछ सीखने को मिलने वाला है इस सेशन में लीडिंग लैगिंग इंडिकेटर के बारे में डिस्कस किया जाएगा आर को कैसे कैलकुलेट करते हैं ये दिखाया जाएगा बाय एंड सेल सिग्नल कैसे बनाए जाते हैं ये दिखाया जाएगा टेक्निकल एनालिसिस सॉफ्टवेयर के बारे में बताया जाएगा तो so, काफी एलोबरेटली लेंदी सेशन है हो सकता है दो पार्ट में करें अगर टाइम मिलेगा तो आज ही कोशिश करेंगे कवर करने की सो so, सबसे पहला फैक्टर आप देख लें बेसिक ऑफ टेक्निकल एनालिसिस में माना यह जाता है कि प्राइस अपने आप में सब कुछ डिस्काउंट करता है सो टेक्निकल एनालिसिस में प्राइस एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है सो so प्राइस को हम ये मान सकते हैं कि प्राइस में सब कुछ इंक्लूड है अगर किसी शेयर का प्राइस आप जो देख रहे हो इस समय मान बी आई शेयर दो सौ का है तो so उसमें ट्रेडर का सिनेरियो इन्वेस्टर पोर्टफोलियो मैनेजर बाय सेल एनालिस्ट सेल साइड एनालिस्ट मार्केट स्ट्रेटजी टेक्निकल एनालिस्ट फंडामेंटल एनालिस्ट और वो सारे फैक्टर्स जो हो सकते हैं वो प्राइस में दर्शाते हैं प्राइस अपने आप में सब कुछ दिखाता है तो ऐसा मत समझिए कि आपको फंडामेंटल एनालिसिस करने घंटे हाँ, कर बाद क्या प्राइस होगा या चार दिन बाद क्या प्राइस होगा ये डिटरमाइन कर सकते हो बट अभी जो प्राइस चल रहा है वो सब भरा उसमें सब कुछ है उस प्राइस में आप उसमें न्यूज भी है उस प्राइस में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इनस्टेबिलिटी रुपी और डॉलर का भाव का इम्पैक्ट सब कुछ उस प्राइस में डिस्काउंट दिस्क, कर देता है प्राइस सब कुछ डिस्काउंट कर देता है का बेस दूसरा बेसिक जिसको हम बोलते हैं प्राइस मूवमेंट्स आर नॉट रैंडम टेक्निकल एनालिसिस में हम प्राइस मूवमेंट्स को रैंडम नहीं मानते हम नहीं मानते कि प्राइस मूवमेंट्स हम नहीं टेक्निकल एनालिसिस नहीं मानता कि प्राइस रैंडम चलता है रैंडम से मतलब होता है पहले पचास रुपये बहुत होता फिर सौ रुपए हो गया फिर, फिर पैंतीस रुपये हो गया फिर दो सौ रुपये हो गया प्राइस जो है वो ट्रेंड में चलता है ट्रेंड का मतलब होता है प्राइस धीरे 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 बढ़ता है फिर धीरे 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 गिरता है प्राइस का एक ट्रेंड होता है उसी तरीके से प्राइस चलता है सो प्राइस बेसिकली ऐसे चलता है ऊपर जाता है तो हल्के हल्के ऊपर नीचे करके ऊपर जाता है और जब नीचे आता है तो ऐसे वो ऐसे नहीं जाता रेंडम का मतलब होता है प्राइस ऐसे करके नहीं बढ़ता है ऐसे करके नहीं चलता है कुछ ऐसी कमोडिटीज हैं मार्केट्स में ट्रेडिंग मार्केट में जिनका प्राइस रेंडम होता है का का मतलब अगर आज का प्राइस ये है तो कल का प्राइस ये होगा अगर कल का प्राइस ये है तो परसों का प्राइस होगा। ये होगा प्राइसल ग्रेजुअल इंक्रीज नहीं है बट टेक्निकल एनालिसिस जो लोग यूज करते हैं वो ये मान के चलते हैं कि प्राइस का जो मूवमेंट है वो बिल्कुल रेंडम नहीं होता है वो बिल्कुल प्रिसाइस हो सकता है ट्रेंड so में चलता है प्राइस वो रैंडम नहीं चलता है तो ये मान के चलेंगे सब कुछ होता है सो तो आप कई लोग मेरे से बहुत क्वेश्चन सर न्यूज आ गई तो क्या होगा हाँ सर तो न्यूज आ गई तो प्राइस अपने आप उसको डिस्काउंट कर देगा प्राइस अपने अपने आप में सब कुछ लेके चलता है अगर कोई शार्प मूव देखा गया किसी स्टॉक में तो उसका मतलब वो किसी वजह से आया होगा वो वजह प्राइस अपने अंदर ले लेता है और प्राइस की मूवमेंट्स कभी भी रैंडम नहीं होती ट्रेंड बेस्ड होती हैं सबसे मेन इंपॉर्टेंट टेक्निकल एनालिसिस में व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट देन व्हाई सबसे इंपॉर्टेंट है व्हाट क्यों हुआ ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्या हुआ ये इंपॉर्टेंट है ठीक है ना क्यों क्यों नहीं पूछ सकते व्हाई व्हाई इज इज नॉट इंपॉर्टेंट इन व्हाट मोर इंपॉर्टेंट सो फंडामेंटल एनालिसिस में वाय इंपॉर्टेंट होता है ये क्यों हो रहा है तेल के दाम क्यों बढ़ रहे हैं स्टॉक के दाम क्यों बढ़ रहा है येस yes, बैंक का शेयर क्यों गिर रहा है बैंक मैनेजमेंट कब ठीक होगी यानी कि फंडामेंटल एनालिसिस का क्वेश्चन है और वॉट जो है वो टेक्निकल एनालिसिस का क्वेश्चन है सो so, हम लोग वाई uh, में बात नहीं करते हैं टेक्निकल एनालिस्ट जितने भी हैं वो वाई की तरफ नहीं सोचते हैं वो ज्यादातर वॉट की तरफ सोचते हैं सो दे फील दैट वो प्राइस की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं उनको पता है कि प्राइस अपने आप में सब कुछ डिस्काउंट दिस, करके चलता है सब कुछ लेके चलता है सो तो उस केस में उनका ध्यान वाई की तरफ नहीं है सो so वाई मत टेक्निकल एनालिसिस में कभी भी वाई की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए वाट की तरफ ध्यान देना चाहिए चौथा पॉइंट स्टॉक मार्केट ट्रेंड में चलती है स्टॉक मार्केट टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंगली डाउ थ्योरी के अकॉर्डिंगली तीन ट्रेंड माने गए हैं स्टॉक मार्केट के जिसमें एक प्राइमरी ट्रेंड बोला गया एक सेकेंडरी एक माइनर सो प्राइमरी ट्रेंड क्या होता है सेकेंडरी ट्रेंड क्या होता है माइनर ट्रेंड क्या होता है इसके बारे में अभी बात करेंगे बट तीन ही ट्रेंड बनाए गए हैं कि लेकिन कौन से इन्वेस्टर कौन से ट्रेड में काम करता है जनरली जैसे मैं आपको बता सकता हूं कि इन्वेस्टर प्राइमरी ट्रेंड में काम करता है सेकेंडरी ट्रेंड में और माइनर ट्रेंड में ट्रेडर इंट्राडे ट्रेडर माइनर ट्रेंड में काम करते हैं बी टी टी ट्रेडर सेकेंडरी ट्रेंड में काम कर सकते हैं इंट्रा डे और बी टी एस टी टी ट्रेडर ट्रेडर जितने भी हैं ज्यादातर सेकेंडरी और माइनर ट्रेंड में काम करते हैं प्राइमरी ट्रेंड तो इन्वेस्टर के लिए ज्यादा अच्छा है बट तीन ट्रेंड होते हैं सो so, जैसे कि दिखाया गया प्राइमरी ट्रेंड लगभग एक साल का भी हो सकता है सो so, एक स्टॉक एक प्राइमरी ट्रेंड में स्टॉक ऐसा, ऐसा नहीं है कि प्राइमरी ट्रेंड में स्टॉक गिरता नहीं है गिरता है उसमें लेकिन ये देखिए ये जैसे मैं आपको दिखाता हूँ इसको प्राइमरी ट्रेंड बोलते हैं So, ये प्राइमरी ट्रेंड होता है प्राइमरी ट्रेंड में स्टॉक सीधा बढ़ता है स्टॉक सीधा बढ़ता है लेकिन गिरता भी है बढ़ता भी है गिरता भी है ए से लेके बी तक तो अप ट्रेंड आया बी से लेके सी तक डाउन ट्रेंड आया फिर सी से लेके डी तक अप ट्रेंड आया डी से लेके ई तक डाउन ट्रेंड आया सो so, इसको बोलते हैं चार्ट स्टॉक कैसे बढ़ रहा है इसको बोलते हैं सक्सेसिव टॉप सक्सेसिव बॉटम इसको मतलब ऊपर टॉप बनते जा रहे हैं और ऊपर ही बॉटम बनते जा रहे हैं ये देखिए ये देखिए ये टॉप्स हैं बी टॉप है डी टॉप है एफ टॉप है एच टॉप है ई ई ये ये फिर बॉटम 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 है 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 सी जी सो इसको बोलते हैं टॉप्स इसको बोलते हैं बॉटम सो बॉटम भी बढ़ रहे हैं और टॉप्स भी बढ़ रहे हैं इसको बोलते हैं प्राइमरी ट्रेंड सो एक दिखाएंगे अभी आपको एग्जाम्पल लाइव निफ्टी का दिखाएंगे एग्जाम्पल प्राइमरी ट्रेंड कब शुरू हुआ कब तक रहा सो uh, so ये भी एक प्राइमरी ट्रेंड है सो प्राइमरी ट्रेंड अप ट्रेंड का भी हो सकता है प्राइमरी ट्रेंड डाउन ट्रेंड का भी हो सकता है सो so दोनों ही सूरतों में प्राइमरी ट्रेंड हो सकता है तो so ये भी एक प्राइमरी ट्रेंड है जिसमें कि स्टॉक नीचे की तरफ जा रहा है या कोई इंडेक्स नीचे की तरफ जा रहा है सेकेंडरी ट्रेंड बेसिकली प्राइमरी ट्रेंड के अंदर मिलता है सो so ए से लेके बी तक ए से लेके एफ तक प्राइमरी ट्रेंड है पूरा ए से लेके एफ तक प्राइमरी ट्रेंड है पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक एक प्राइमरी ट्रेंड है सेकेंडरी ट्रेंड क्या है सेकेंडरी ट्रेंड जो इनके बीच में मिलता है सो बेसिकली बी से सी यानी ऊपर जा रहा है तो जो करेक्ट कर रहा है बीच में फिर ऊपर जा रहा है, जो जो आ रही है इनको बोलते हैं सेकेंडरी ट्रेंड सो सेकेंडरी ट्रेंड इज फाउंड विद इन द प्राइमरी ट्रेंड सो ये बेसिकली कितने टाइम का हो सकता है अगर प्राइमरी ट्रेंड एक साल का हो सकता है तो ये दो तीन हफ्तों का हो सकता है यानी कि सेकेंडरी ट्रेंड दो तीन हफ्तों का हो सकता है तो अः हम लोग बीटीएसटी टी ट्रेडर सेकेंडरी ट्रेंड को भी पकड़ने की कोशिश करते हैं जब स्टॉक गिर जाता है तो हम उसको बाइंग करने की कोशिश करते हैं वो एक सेकेंडरी ट्रेंड की तरफ है तीसरा ट्रेंड है माइनर ट्रेंड माइनर ट्रेंड बेसिकली सेकेंडरी ट्रेंड के अंदर मिलता है यानी कि जो सेकेंडरी ट्रेंड है उसके अंदर ये कितने टाइम का हो सकता है ये लेकर एक दिन से लेकर तीन दिन का हो सकता है तो ट्रेडर के लिए माइनर ट्रेंड काम आता है काफी सो so, बीटीएसटी ट्रेडर मेजरली अगर जो बिल्कुल शॉर्ट टर्म ऑरइन के लिए काम करते हैं वो माइनर ट्रेंड में काम करते हैं क्योंकि वो लोग अगर प्राइमरी ट्रेंड में काम करेंगे तो प्राइमरी ट्रेंड एक बहुत लंबा हो सकता है सेकेंडरी ट्रेंड भी काफी लंबा हो सकता है बट माइनर ट्रेंड बहुत छोटा होता है सो माइनर ट्रेंड प्राइमरी ट्रेंड के अंदर सेकेंडरी ट्रेंड मिलता है सेकेंडरी ट्रेंड के अंदर माइनर ट्रेंड मिलता है सो so, इसका एग्जाम्पल अभी आपको दिखाएंगे ये कैसे तीनों ट्रेंड दिखाई देते हैं सो so, एक मैं आपको वैसे लाइव चार्ट दिखाता हूं यहाँ पर आप देखें निफ्टी निफ्टी का चार्ट आप देखें ये निफ्टी का चार्ट है आपके सामने पांच साल का चार्ट है सो लगभग ये जो ट्रेंड आप देख रहे हैं यहां से लेके यहाँ तक ये जो ट्रेंड आप पूरा देख रहे हैं ये है प्राइमरी ट्रेंड सो ये प्राइमरी ट्रेंड है प्राइमरी ट्रेंड के अंदर ये वाला जो पार्ट है दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी ट्रेंड ये, ये ये आपके थोड़े सेकेंडरी ट्रेंड है ये सेकेंडरी और दो निफ्टी का ट्रेंड 2016 से लेके 2020 तक का चार साल चला है प्राइमरी ट्रेंड चार साल तक का प्राइमरी ट्रेंड है सो so, चार साल का प्राइमरी ट्रेंड में सेकेंडरी ट्रेंड आ गया लगभग दो तीन तीन, तीन महीने तीन से छह महीने का सेकेंडरी ट्रेंड ये यहाँ यहाँ पर माइनर इन्हीं इसी के अंदर माइनर ट्रेंड है, सारे ट्रेंड है। so, ये सारे माइनर ट्रेंड्स है सो ये लगभग एक से तीन दिन के रह सकते हैं सो so, प्राइमरी ट्रेंड तो टेक्निकल एनालिसिस में ऐसा ही स्टॉक मार्केट चलती है ज्यादातर ज्यादातर मार्केट ऐसे ही चलती है सो so, uh, ये तीन ट्रेंड हैं आपके और प्राइमरी ट्रेंड की जहां अब तक हम बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू डाउ थ्योरी के थ्रू टेक्निक प्राइमरी ट्रेंड जो है वो तीन फेजेज में बटा हुआ है यानी कि अगर स्टॉक पूरा प्राइमरी ट्रेंड अगर लेके चल रहा है तो फेज पार्टिसिपेशन फेज और डिस्ट्रीब्यूशन फेज ये तीन फेजेज में वो बटा हुआ है ट्रेंड प्राइमरी ट्रेंड खासकर सो so, वो तीन फेज क्या क्या हैं So, uh, इसको इसकी साइकोलॉजी हम थोड़ी समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों है साइकोलॉजी वाइज अगर प्राइमरी ट्रेंड हम माने कि वो तीन फेज में बटा हुआ है जो कि एकोमोलेशन फेज है पार्टिसिपेशन फेज है और डिस्ट्रीब्यूशन फेज है ये बिल्कुल बेस्ट एग्जांपल है इसका जो मैं अभी आपको निफ्टी का चार्ट दिखाया इसमें ऐसा ही हुआ है जैसा एकोमुलेशन पार्टिसिपेशन डिस्ट्रीब्यूशन फेज है एक्ुलेशन एक्मिलेशन फेज़ में बेसिकली इकोनॉमिक रिकवरी एक्सपेक्ट की जाती है जैसे करोना वायरस के टाइम में आपने देखा कि मार्केट बहुत ज़्यादा गिरी और इकोनॉमिक रिकवरी एक्सपेक्ट की गई लॉन्ग टर्म ग्रोथ एक्सपेक्ट की गई इस फेज में बेसिकली लोग बहुत ज़्यादा इक्विटी पैस पैसे मिस्टिक नहीं होते हैं इस फेज में इन्वेस्टर्स बेसिकली अगेंस्ट रहते हैं पैसे की दिक्कत होती है या मान लीजिए लोगों का साइकोलॉजी uh, uh, या लोगों का स्टॉक uh, मार्केट के बारे में फील बहुत ही गंदा क्योंकि मार्केट गिर जाती हैं इस समय लोग मार्केट से दूर रहना चाहते हैं सो so, इस फेज को हम लोग एकोमलेशन फेज बोलते हैं uh, ये बेसिकली एक शुरुआत है नए बुल फेज की सो so, इस फेज में पहले एक गिरावट देखी जाती है और लोग जो हैं उस गिरावट से बहुत डर जाते हैं लोग ये मान लेते हैं कि स्टॉक मार्केट काफी गिर चुकी है और यहाँ से अब अप ट्रेंड नहीं आएगा सो स्टॉक मार्केट कुछ टाइम उस गिरावट वाले फेज में रहती है जिसको एकोमोलेशन फेज बोला जाता है चार्ट के थ्रू भी अभी दिखाएंगे आपको पार्टिसिपेशन फेज में कंपनीज अपने मुनाफे डिक्लेयर करती हैं और फंडामेंटल बढ़ते हैं जैसे हुआ कोरोना वायरस चलते चलते कंपनीज में फैक्ट्रियाँ खोली और बसेस चली लोगों ने बाहर जाना शुरू किया शेयर मार्केट भी बढ़ी लोगों ने पैसा डालना शुरू किया अभी डालना शुरू किया या नहीं किया लेकिन मार्केट्स राइज करनी शुरू हो गई तो ये काफी लॉन्गेस्ट फेज होता है पार्टिसिपेशन फेज इसमें बेसिकली प्राइस मूवमेंट देखी जाती है यानी कि स्टॉक मार्केट अपने कंसोलिडेशन फेज को छोड़ के अप ट्रेंड की तरफ जाती है बेस्ट फेज रहता है टेक्निकल ट्रेडर्स के लिए ट्रेड करने के लिए जो कि फिलहाल अभी पिछले तीन महीने से चला है पार्टिसिपेशन फेज इस समय पिछले तान तीन महीने से अगर आपने देखा हो स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेशन फेज आया है डिस्ट्रीब्यूशन फेज लास्ट फेज में हम बोलते हैं कि लोग बहुत ज्यादा ऑप्टिमिज्म की तरफ आ जाते हैं और कोई नहीं मानने की तरफ चाहता कि इस समय स्टॉक मार्केट गिरेगी लोग बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं जनरल पब्लिक ये मानती है कि इस समय मार्केट्स बहुत ऊपर हैं और और ज्यादा बढ़ेंगी सो बेसिकली ड्यूरिंग दिस फेज आप माने कि जो लोगों ने बाय किया हुआ है वो uh, बेचने की तरफ जाते हैं मतलब हम ये, ये, ये टेक्निकल एनालिसिस में इस फेज को रिवर्सल माना जाता है अः uh, जब मार्केट बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं और इस फेज में लोग नहीं मानते हैं कि यहाँ से अब मार्केट गिरेंगी लोगों को लगता है फंडामेंटल बहुत मजबूत हो गए हैं जो अभी फिलहाल फेज चल रहा है जिस फेज जिस में अभी हम बैठे हैं ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज की तरफ हम आ चुके हैं पिछले तीन महीने से चार महीने से हमने एक पार्टिसिपेशन फेज देखा है इस समय हम लोग बड़े टॉप पे खड़े हुए हैं और डिस्ट्रीब्यूशन फेज के अकॉर्डिंगली लोग कम मान रहे हैं यहाँ से मार्केट गिरेगी क्योंकि आ, लोगों को लग रहा है कि अब सब कुछ ठीक होने वाला है और सब कुछ वो एक ऐसा टाइम हो सकता है जब बिगनिंग बिगिनिंग ऑफ सेलिंग हो सो टेक्निकल लैंग्वेज में इसको रिवर्सल माना जाता है सो so, ये आप समझ लें ये चार्ट के अकॉर्डिंगली सबसे ये ये वाला फेज एकोमोडेशन फेज जब कोई नहीं मानता ये तीन महीने पहले जो कोरोना वायरस के टाइम में फेज था आज फिलहाल जब कोरोना वायरस भी चल रहा है हम यहाँ तक पहुँचे हैं प्राइमरी फेज के अकॉर्डिंगली हम प्राइमरी फेज में यहाँ तक पहुँचे हैं और ये वाला फेज़ फिलहाल डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ जो कि अब चल रहा है जिसमें कि ये करेक्शन उम्मीद की जा रही है क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा बायस्ड ऊपर की तरफ आ चुके हैं सो तो लोग लोगों ने इन्वेस्टर्स ने यहाँ एंट्री बनाई है इस लेवल पे सो तो ये तीनों फेज में ट्रेंड चलता है अमूमन ऐसे ही चलता रह रहा है पिछले ए, सालों में ऐसा ही चलता रहेगा आ, इसको अगर चार्ट्स की फॉर्म में देखा जाएगा तो अभी भी अगर आप चार्ट की फॉर्म लाइव निफ्टी की लाइव देखें तो देखें आप ये फेज़ क्या हुआ है देखें So, इसका लाइव चार्ट दिखाते हैं आपको ये मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे हम सोर्स ले रहे हैं यहाँ से एक ट्रेंड चला है आप देखें यहाँ पे एक यहाँ पे एक है यहाँ से एक दूसरा फेज है यहाँ से तीसरे फेज के बाद स्ट्रेट मार्केट गिरी है सो so, यहाँ पर एक मान लेते हैं कि फेज डिस्ट्रीब्यूशन आया है जिससे कि स्टॉक मार्केट में बहुत लोग ऑप्टिमिस्टिक या पेसिमिस्टिक हो गए थे कि यहाँ से अब स्टॉक मार्केट गिरनी नहीं चाहिए तो उसके बाद मार्केट ने गिरावट देखी है सो so, बट uh, काफी बड़े लेवल पे देखा जाता है फेजेज छोटे लेवल पे नहीं है सो so, uh, इसमें हम बात कर ये हमने आपको दिखाया है थोड़ा सा अभी डाउ, डाउ थ्योरी के बारे में और अब हम बात करेंगे दोस्तों uh, टाइप्स ऑफ चार्ट्स सो टेक्निकल एनालिसिस को हमने ओपन इंटरेस्ट देखा समझा हमने इंट्रोडक्शन टू एनालिसिस देखा हमने टाइप्स ऑफ चार्ट हमने आपको डाउट थ्योरीज दिखाई हमने आपको uh, दिखाया कि कैसे टेक्निकल uh, एनालिसिस के क्या बेसिक्स हैं अब हम जाएंगे टाइप्स ऑफ चार्ट्स बट मैं uh, आपसे uh, जो लोग अभी नए जुड़ रहे हैं uh, uh, हम इसको YouTube पे लेके जाएंगे इस इस वीडियो को जो लोग दोबारा देखना चाहें सो so, आप लोग YouTube को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको इसके वीडियोस आज हम दो तीन वीडियो पोस्ट करेंगे आप YouTube में जाके रोहित खोसला टाइप करेंगे सो so, आपको यहाँ सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप इसमें कुछ ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं जो कि प्योरली ट्रेडर्स के लिए हम लोग रोज़ बनाते हैं जैसे रिलायंस में आप देखेंगे हमने सत्तर हज़ार का मुनाफा कल क्लोज़ किया फिर बी था और हमने अभी पिछले दिनों में भी कल परसों में भी हमने कुछ मुनाफे दिए हैं लगभग रिलायंस में आप देखेंगे तो 9 सितंबर को हमने लगभग बयानवे हज़ार पाँच सौ के करीब का ए, दो एक ही दिन में मुनाफा सजेस्ट हुआ है जिसमें ये वीडियो डाला हुआ है वेबिनार के यूट्यूब चैनल के ऊपर वेबिनार में लाइव कॉल दी गई थी इक्कीस सौ पचास पर रिलायंस बाय करें और ये तेईस सौ पैंतीस रुपये अगले दिन पहुंचा है बहुत ही शार्प मूव देखा गया है राइट टाइम पर एंट्री सजेस्ट की गई जैसे ट्रेंड बना और लोगों ने इसको काफ़ी बाय किया हमारी कॉल के ऊपर दस uh, सेप्टेम्बर को हमने लुपिन में आपको कॉल दी थी कि नौ सौ so, ये सब हम एनालिसिस के थ्रू निकालते हैं टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू निकालते हैं माइनर uh, माइनर ट्रेंड में जाके निकालते हैं सो so, माइनर ट्रेंड में हम लोग कैसे निकालेंगे इसको भी हम अभी जाके कवर करेंगे सो so, ऑल मैं भी आपको लिंक शेयर कर रहा हूं अपने यूट्यूब चैनल का अभी आप लोग चाहें तो अभी आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं लिंक के ऊपर क्लिक करके सो so, आप लोग को मैं चैट के थ्रू लिंक शेयर कर देता हूं। सो so, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को जरूर शेयर कर लें जिससे कि आपको आ, आने वाले टाइम में सारे अपडेट्स मिल जाएं। आ, इस वीडियो को भी हम डालेंगे अभी चैनल के ऊपर तो आप लोग आ, इसको रिपीट भी देख सकते हैं सो यू विल गेट अ नोटिफिकेशन इनिशियली दोज आर गोइंग टू सब्सक्राइब इट सो मे बी मैं आपकी चै, चैट के ऊपर सब्सक्राइब कर रहा हूँ सो so, सो मिस्टर अलाउद्दीन अब्बासी ने कर लिया है सब्सक्राइब थैंक यू मिस्टर अलाउद्दीन और लोग भी सब्सक्राइब कर लें मैंने चैनल पे आपको भेजा है या मिस्टर अलाउद्दीन आई हैव आई है योर सब्सक्रिप्शन थैंक यू सो अदर्स कैन आल्सो डू इट आप अभी कर लें आई कैन गिव यू सम टाइम थर्टी सेकेंड वन मिनट यू कैन क्लिक ऑन द लिंक एंड सब्सक्राइब इट और इन केस यू वॉन्ट टू प्रिजर्व द लिंक फॉर 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 लेटर यू कैन डू इट फॉर लेटर ऑल्सो बट जो लोग कर लेंगे उनको रेगुलर अपडेट्स मिलेंगे सो so, ये आउटकम हम ये हम आपको लाइव दिखा रहे हैं कि जी, कैसे हम लोग निकालते हैं कल के केस में हमने मनापुरम फाइनेंस आपको बताया एक सौ रुपए पे खरीदारी कर लीजिए एक बजे और इक्कीस हजार रुपए का मुनाफा एक घंटे दो घंटे बाद ही अचीव हो गया ग्लेनमार्क के बारे में कल बताया चार सौ इक्यासी पे खरीदिए स्टॉक चार सौ छियासी चालीस पे कल पहुंचा हमारी कॉल के बाद पहुंचा ये सारी कॉल एनालिसिस के थ्रू दी गई हैं तो जो भी बताया जा रहा है इसका ये आउटकम यही है कि आपको ऐसी कॉल बनानी चाहिए और एनालिसिस के थ्रू का ट्रेड करना है तो ट्रेड को एक्यूरेसी की तरफ लेके एक आइए अब हम आगे चलते हैं जिसमें कि अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सो एनालिसिस कैसे की जाती है दोस्तों अब उसके लिए सबसे पहला रोल है कि आपको टाइप्स ऑफ चार्ट पता होने चाहिए कितने चार्ट होते हैं एनालिसिस में और कैसे की जाती है सो so, पहला प्रेजेंटेशन थोड़ा थ्योरेटिकल था जिसमें कि हमने आपको थोड़ा थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग दी है अभी हम धीरे धीरे प्रैक्टिकल एनालिसिस की तरफ चलेंगे सो टाइप्स ऑफ चार्ट में हम लोग चार्ट होता क्या है बेसिकली पहले हम ये समझेंगे चार्ट बेसिकली एक ग्राफिकल मेथड होता है प्राइजेस को शो करने का प्रीवियस डेटा के साथ पास्ट प्राइजेस को पास्ट और प्रेजेंट प्राइजेस को शो करने का जो एक मेथड है उसको बोलते हैं चार्ट

और मंथ और कोरोना कोरोना केसेस दिस चार्ट इसमें दो डेटा है हमारे पास एक डेटा है टाइम का जो एक्स एक्सिस पे आएगा दूसरा डेटा है नंबर ऑफ केसेस ईच डे सो so डे का जो डेटा आएगा वो आएगा एक्स एक्सिस पे वाई का डेटा आएगा नंबर ऑफ केसेस का इसी तरह स्टॉक मार्केट में टाइम और प्राइस का चार्ट बनता है ज्यादातर टाइम ज्यादातर एक्स एक्सिस पे लिया जाता है वाई एक्सिस पे प्राइस लिया जाता है सो एक्स एक्सिस हॉर्जोंटल वैल्यू है वाई वर्टिकल वैल्यू है सो so, बेसिकली इस तरीके से आप देखें मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा एक्स so, एक्सिस पे टाइम लिया जाता है वाई एक्सिस पे प्राइस लिया ऐसा ही इसको चेंज नहीं करा जा सकता वाई एक्सिस पे प्राइस नहीं वाई एक्सिस पे टाइम नहीं आ सकता एक्स एक्सिस पे प्राइस नहीं आ सकता सो so, नीचे हमेशा टाइम आता है वाई एक्सिस पे प्राइस आता है अगर आप चार्ट देखना चाहते हैं कोई भी चार्ट हो जाए सो so, चार्ट में ये बेसिक है ये तो नहीं बदलेगा ये दिस इज द बेस फंडामेंटल सो एक्स और वाई एक्सेस होते हैं पर्टिकुलर एक टाइम इंटरवल होता है चार्ट का जिस इंटरवल पे चार्ट बना हुआ है सो प्राइस मूवमेंट को दिखाने का इंटरवल है जैसे मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दिया कोरोना वायरस केसेस का अगर चार्ट बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे हमें दो फील्ड चाहिए केसेस के लिए जिसके हमें चाहिए हमें चाहिए डे हमें चाहिए डे और दूसरा चाहिए नंबर ऑफ केसेस Of cases. So, इस case में अगर चार्ट बनेगा, तो जो आएंगे वो नीचे आएंगे, आएंगे यहाँ so, ड्रॉ करेगा दोनों के बीच में सो so, ये इस चार्ट का जो टाइम इंटरवल होगा उसको बोलेंगे डेली क्योंकि आपके पास टाइम जो है वो डेली था मतलब आपके पास एक दिन में केसेज रिपोर्ट हो रहे हैं सो so, आप चार्ट के थ्रू डेली केसेस दिखाना चाह रहे हैं लेकिन अगर आप डेली केसेस ना दिखा के वीकली केसेस दिखाना चाहें तो चार्ट की टाइप बदल जाएगी वीकली सो so, जितना टाइम का डेटा आपके पास आएगा उतना चार्ट का टाइम फ्रेम हो जाएगा सो so, चार्ट अभी लाइव दिखाएंगे आपको सो so, तीन तरीके के चार्ट्स होंगे हमारे पास लाइन चार्ट बार चार्ट कैंडलस्टिक चार्ट तीनों चार्ट टेक्निकल एनालिसिस में काफी यूजफुल हैं काफी डिफरेंस है तीनों चार्टों में लेकिन कौन सा चार्ट किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है इसको बताएंगे आपको सो so, सबसे पहले कवरेज करेंगे लाइन चार्ट की सो so, लाइन चार्ट बेसिकली ऐसा दिखाई देता है जिसमें आप देखें कि एक्स एक्सिस पर टाइम है जो कि डेट्स लगी हुई हैं वाई एक्सिस पे प्राइस है निफ्टी का आवरली चार्ट है आवरली का मतलब जो नीचे टाइम लगा हुआ है वो हर घंटे के इंटरवल पे लगा हुआ है यानी कि सवा नौ बजे से सवा दस बजे सवा दस से सवा ग्यारह ग्यारह बजे सवा बारह बजे और उसी इंटरवल का प्राइस है तो इसका मतलब इसको बोलेंगे निफ्टी आवरली लाइन चार्ट चार्टो तो टाइम चार्ट को सबसे चार्ट को देखने से पहले या देखने के बाद सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए पूछना चाहिए वो होना चाहिए इंटरवल चार्ट को ऐसे नहीं देखना चाहिए तो लाइन चार्ट में बेसिकली टाइम इंटरवल बहुत ज़रूरी है हर चार्ट में टाइम इंटरवल बहुत जरूरी है लाइन चार्ट कैसे बनता है यानी कि जिस ला तो लाइन चार्ट में बेसिकली हर इंटरवल का क्लोजिंग प्राइस हर इंटरवल का क्लोजिंग प्राइस हम लेते हैं और उसको कनेक्ट करते हैं आपस में ये घंटे का अगर ये प्राइस है अगले घंटे का ये प्राइस है अगले घंटे यानी कि अगर मैं ऐसे लिख के आपको दिखाऊं कि अगर नौ बजे प्राइस अगर नौ सवा नौ बजे मान लीजिए टेक महिंद्रा का प्राइस था अठारह सौ रुपए और नौ बज के बीस मिनट पे ये प्राइस हो जाता है अठारह सौ पाँच रुपए और नौ बज के पच्चीस मिनट पे अगर ये प्राइस हो जाता है अठारह सौ दस रुपये और नौ बज के तीस मिनट पे ये प्राइस हो जाता है अठारह सौ आठ रुपये So, इसका अगर आप चार्ट ड्रॉ करेंगे तो आपका सबसे पहला तो टाइम का इंटरवल पांच मिनट है तो ये पांच मिनट का चार्ट बनेगा और इसका जो पहला प्राइस 1800 पे जुड़ेगा सवा नौ बजे का दूसरा प्राइस 1805 फिर 1810 फिर 1808 तो लाइन चार्ट ऐसे ड्रॉ होगा लगभग हर हर इंटरवल का क्लोजिंग प्राइस यानी के सवा नौ बजे का नौ इसके बीच में जो प्राइस एक्शन हुआ उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है यानी कि 915 से 920 के बारे में कितनी बार प्राइस में हुआ इसकी कोई जानकारी लाइन चार्ट में नहीं मिलेगी आपको सिर्फ पांच मिनट का ही डेटा मिलेगा मतलब हर पांच मिनट अगर इस पांच मिनट के बीच में कुछ भी हुआ है ये लाइन चार्ट नहीं बता सकता सो so, लाइन चार्ट सिर्फ क्लोजिंग पॉइंट्स को रिकॉर्ड करता है तो ये अगर ये तो पांच मिनट का चार्ट आप देख रहे हैं अगर यही चार्ट दो घंटे का होता या दस एक दिन का होता या वीकली का होता तो ये हर वीक का क्लोजिंग पॉइंट रिकॉर्ड करता उसके बाद ये बीच में क्या हुआ ये सब नहीं ये दिखाता आपको तो लाइन चार्ट बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट तो है ये कि क्लोजिंग प्राइसिस रिकॉर्ड करता है तो क्लोजिंग प्राइसिस के लिए हम लाइन चार्ट देखते हैं बार चार्ट बेसिकली एक तरीके का चार्ट दिखाया जाता है जो इस तरीके की बार में दिखाया जाता है बट कि जैसे कि लाइन चार्ट में सिर्फ क्लोजिंग प्राइस ही रिकॉर्ड किया जाता है इसमें चार प्राइस रिकॉर्ड किए जाते हैं उस इंटरवल के ओपन क्लोज लो हाई चार प्राइजेस इस बार चार्ट में हो सकते हैं सो so, बार चार्ट में एक बार होती है जो कि स्ट्रेट होती है इसके ऊपर एक लेफ्ट कलर का टिक लगा होता है एक राइट right कलर का टिक लगा होता है सो so, बेसिकली दिखने में ऐसा होता है बार चार्ट सो so, अभी आपको लाइव भी शेयर करेंगे लाइन चार्ट कैसा दिखता है बार चार्ट कैसा दिखता है सो so, लेकिन जहां की लाइन चार्ट में सिर्फ क्लोजिंग पॉइंट तो जो लोग लाइन चार्ट देखते हैं वो सिर्फ क्लोजिंग के लिए देखते हैं उनको उस लाइन चार्ट में ऐसा क्या नहीं होता जो बार चार्ट में होता है लाइन uh, चार्ट कभी भी हाई प्राइस नहीं दिखाता उस पांच मिनट में अगर स्टॉक सौ रुपए ऊपर चला गया होगा और वापस नीचे आ गया होगा तो ये लाइन चार्ट में नहीं दिखाई देगा लाइन चार्ट में सिर्फ पांच मिनट की क्लोजिंग प्राइस एंड ऑफ द

कोई स्टॉक ऐसे चला पा, पांच मिनट में ओपन प्राइस उसने पांच रुपए पे स्टॉक खुला और हाई गया वो लगभग पंद्रह रुपए उसी समय एक घंटे में पंद्रह रुपए कोई न्यूज आ गई स्टॉक एक रुपए ऊपर चला गया और लो लो स्टॉक गया सिर्फ चार रुपए सिर्फ सौ रुपए नीचे और क्लोज हो गया स्टॉक लगभग छह सौ रुपए के यानी कि स्टॉक ने अगर इसका लाइन चार्ट बनाया जाएगा तो लाइन चार्ट सिर्फ छह रुपए को रिकॉर्ड करेगा बस एक डॉट देगा छो रुपए जो लास्ट प्राइस से होगा सो so, लास्ट प्राइस कुछ भी हो सकता है लेकिन अगर बार चार्ट आप बनाएंगे तो सॉरी सो so, अगर आप अगर, अगर आप अगर आप बार चार्ट बनाएंगे सबसे पहले एक लाइन बनेगा पूरा जो कि चार से लेके पंद्रह तक का लाइन होगा ये इतना बड़ा सो so, ये वाला एक चार सौ रुपए का होगा ये वाला पॉइंट पंद्रह सौ रुपए का होगा जो लेफ्ट वाला बार होता है वो ओपनिंग प्राइस होता है तो ओपनिंग प्राइस पंद्रह पांच सौ रुपए के करीब है तो ओपनिंग पॉइंट बनेगा लगभग इस पॉइंट के आसपास लेफ्ट वाला जो लाइन आएगा वो बिल्कुल नीचे की तरफ आएगा राइट right वाला जो लाइन आएगा वो लगभग क्योंकि वो हाई प्राइस है और आ, ये वाला तो ये क्लोज प्राइस क्लोज क्लोज प्राइस छह रुपए तो ये राइट right वाला लाइन यहाँ पे बनेगा ऐसे और ऐसा ये बार चार्ट दिखाई देगा यानी कि लेफ्ट वाला जो बार है वो ये वाला जो बार आप देख रहे हैं ये सिर्फ ओपनिंग प्राइस के लिए बना जाएगा यानी कि स्टॉक एक्चुअली तो बड़ा है स्टॉक तो पांच सौ रुपए से छह सौ रुपए तक बड़ा है सौ रुपए की मूवमेंट लेकिन एक्चुअल में स्टॉक हजार रुपए की हजार रुपए भी बड़ा था तो ये लेकिन बार चार्ट में दिखाई देता है ये बार चार्ट में इस लाइन से दिखाई देता है कि हाँ स्टॉक एक हजार बड़ा था लेकिन क्लोज जो है वो यही हो गया है सो बार चार्ट में बेसिकली सिर्फ लेफ्ट और राइट कलर के बार इंपॉर्टेंट हैं देखने लाइन भी बनती हैं तो लो पॉइंट और हाई पॉइंट जैसा स्टैट बनेगा वैसा पॉइंट बार चार्ट जैसे अगर मैं एक स्टैट बनाता हूं कि ओपन अगर स्टॉक होता है पाँच रुपए पे और हाई चला जाता है स्टॉक मान लीजिए आठ रुपए और लो चला जाता है स्टॉक दो रुपए और क्लोज हो जाता है स्टॉक सात लगभग माने हम पाँच सौ सात सौ रुपये के आसपास सो so, सबसे पहले जो एक लाइन बनेगी वो बनेगी ओपन लो से हाई की तरफ दो सौ रुपये से आठ सौ सो ये छः सौ रुपये की एक लाइन बनेगी इस प्राइस में क्योंकि ये दो सौ रुपये की लाइन है तो पाँच सौ रुपये ओपन हुआ है सो so, पाँच सौ रुपये का बार यहाँ पे आएगा आठ और क्लोज़ हुआ है सात सौ सात सौ का बार यहाँ पर आएगा आठ सौ का हाई है सो so, लगभग ऐसा एक तरीके का बार चार्ट दिखाई देगा ये वाला पॉइंट ओपन लेकिन अगर अगर स्टॉक का प्राइस गिरा हो तो ये अगर स्टॉक का प्राइस गिरा हो सो तो आप कभी कभी चार्ट ऐसे भी बनता है यहाँ का मतलब है कि स्टॉक ओपन जिस प्राइस पे हुआ था क्लोज नीचे हुआ है। ये मतलब स्टॉक डाउन मूवमेंट ऐसा ये डाउन मूवमेंट है सो तो ये जो आप देख रहे हैं ये डाउन मूवमेंट है लेकिन अगर अप मूवमेंट होती तो ऐसे बार होता लेफ्ट वाला नीचे होता राइट वाला ऊपर होता सो बार चार्ट को बेसिकली ऐसे देखा जाता है लेफ्ट बार और राइट बार और के थ्रू देखा जाता है इसमें इसका कोई कलर नहीं होता है इस तरह ब्लैक कलर का बनता है सो आ, लेकिन ये चारों चीजें दिखाता है तो इसको हम आ, दिखाते हैं कैसे हो सकता है ये आ, देखें ये ग्लैन मार्क का आवरली चार्ट लगा रहे हैं आपके सामने और इसको बार चार्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये बार चार्ट आपके सामने बन चुका है सो ये बार चार्ट आप देखें ये ये वाला बार चार्ट आप देखें ये बार चार्ट आवरली है एक घंटे का तो ये ओप, इस इस घंटे में स्टॉक ऊपर गया है ओपनिंग कैं ओपनिंग टिक लेफ्ट वाली नीचे है राइट वाली ऊपर है हाई के आसपास बंद हुआ है और अगर आप दूसरी कोई कैंडल देखें जिसमें कि स्टॉक का प्राइस फिलहाल कुछ सिस्टम में ये कलर भी दि, दिखाई दे रहा है रेड के केस में तो जनरली ब्लैक कलर का भी दिखाई देता है तो ये वाला एक नीचे की तरफ स्टॉक गया है ओपनिंग प्राइस ऊपर की तरफ गया है राइट वाला टिक नीचे की तरफ जो ये ये नीचे गया है ये ये वाला ऊपर गया है इस तरीके से समझा जा सकता है इसको ये लाइन चार्ट है तो ये सिर्फ ये वाला ये लाइन चार्ट हाई पॉइंट नहीं दिखाएगा अगर अगर स्टॉक ये वाला यहां तक हाई गया है अगर स्टॉक यहां तक हाई गया है एक एक बार सो लाइन चार्ट में क्या है ये वाला पॉइंट आएगा सो तो लाइन चार्ट में ये वाला पॉइंट आया ही नहीं देखिए ऑलरेडी स्टॉक यहां तक पहुंचा जो कि मैंने ड्रॉ करा है आपके लिए लेकिन इस पॉइंट पे तो लाइन चार्ट में दिखाई नहीं रहा तो ये वाला पॉइंट तो टच ही नहीं हुआ इसका मतलब ये वाला पॉइंट कहां से आया सो तो ये लेकिन लाइन बार चार्ट में ये वाला पॉइंट था क्योंकि यहाँ और स्टॉक में देखो जैसे ये वाला पॉइंट एक बार टच हुआ था ये वाला पॉइंट भी टच हुआ था तो अब हम इसका लाइन चार्ट लगा के देखते हैं क्या ये वाला पॉइंट आया नहीं ये तीनों पॉइंट नहीं दिखा रहा इसका मतलब लाइन चार्ट में वो पॉइंट जो टेम्परेरी मूवमेंट हाई की तरफ जाते हैं वहां पे स्टॉक सस्टेन नहीं वो पॉइंट नहीं दिखाता सिर्फ क्लोजिंग कि स्टॉक एक घंटे में कहा क्लोज ये सब एक एक घंटे के ये सब एक एक घंटे के क्लोजिंग पॉइंट है इसमें हाई लोज तो है ही नहीं तो फर्क क्या हो गया बार चार्ट और लाइन चार्ट में बार चार्ट क्लोजिंग बार चार्ट जो है वो ओपन क्लोज लोहाई भी दिखाता है और कैंडल स्टिक चार्ट ऐसा नहीं दिखाता है सो तो ये बार चार्ट है तीसरा चार्ट हम देखेंगे कैंडल लगभग बार चार्ट के जैसा ही एक चार्ट है बट यहाँ पे बार बनती है वहां पे लाइन बनती है यहाँ पे भी, भी वो चार चीजें दिखती हैं ओपन क्लोज लोहाई सो so, uh, यहाँ पे कलर ऑफ बार व्हाइट और ब्लैक जैसे दिखाया हुआ है इस तरह ग्रीन और रेड uh, भी बनता है सो so, व्हाइट का मतलब ग्रीन uh, और ब्लैक uh, का मतलब रेड या तो कुछ सिस्टम ब्लैक और व्हाइट में दिखाते हैं कुछ सिस्टम रेड और ग्रीन में दिखाते हैं हम लोग uh, इसको दोनों सूरतों में आपको बता देंगे कि अगर व्हाइट uh, कलर का बनता है तो ग्रीन मान लीजिए उसको और अगर रेड कलर का बनता है तो ब्लैक मान लीजिए उसको सो so, जब तो बार चार्ट में और लाइन चार्ट कैंडलस्टिक चार्ट में क्या फर्क है सबसे पहले तो आप ये देख लें कि कैंडलस्टिक चार्ट जो होता है वो बेसिकली ऐसे बनता है इसमें क्या क्या चीजें होती है जैसे उसमें लेफ्ट टिक और राइट टिक होता है इसमें लेफ्ट टिक और राइट टिक नहीं होता इसमें बॉडी और शेडो होती है इसमें ओपनिंग प्राइस बॉडी में होता है और हाई और लो शेडो में होता है सो बेसिकली ये जो आप देख रहे हैं बॉडी और बॉडी और लाइन शेडोज बोलते हैं बॉडी और शेडो इसमें दो चीजें ही होती हैं एक बॉडी और शेडोज सो बॉडी का पॉइंट ये रहा और शेडोज ये रही ऊपर की, की ये शेडोज वैसी हैं जैसी बार चार्ट में लाइन होती है लेकिन जो बार चार्ट में हमारी जो सो अगर इस कैंडल का मैं बार चार्ट बनाऊंगा तो क्योंकि ये कैंडल व्हाइट है तो ऊपर की तरफ गई होगी सो so इस केस में अगर मैं लाइन तो ऐसी रहेगी बट लेफ्ट वाली लाइन यहाँ रहेगी राइट right वाली लाइन यहाँ रहेगी ऐसे बनेगा बार चार्ट इस केस में बाकी सब कुछ सेम रहेगा लेकिन ये बॉडी बार चार्ट में नहीं होगी तो बॉडी जो होती है वो लेफ्ट और राइट टिक्की के जितनी बनती है सो बॉडी बेसिकली ओपन और क्लोज के लिए बनती है ओपन क्लोज लो हाई हाई लो सॉरी ये दिस इज हाई दिस इज लो और ये व्हाइट कलर की स्टॉक नीचे जाता है तो इसमें ओपनिंग पॉइंट नीचे होता है ओपनिंग क्लोजिंग लो हाई सो so, ये चार चीज़ें कैंडल स्टिक में दिखती हैं कैंडल स्टिक और बार चार्ट में फ़र्क क्या है मेजर uh, फ़र्क कि कैंडल स्टिक में बॉडी का कलर होता है और वो चारों वो और इसमें कैंडल की शेप होती है uh, बार चार्ट में कोई शेप नहीं होती सो so, कैंडल की शेप्स देखी जा सकती हैं सो so, कैंडल स्टिक चार्ट बेसिकली ऐसा होता है निफ्टी का आवरली चार्ट है सो कैंडल स्टिक में कभी कभी बॉडी भी ये दिख रहा है आपको कि रेड कलर की बॉडी है लाइन ऊपर है नीचे है सो कैंडल स्टिक चार्ट में कैंडल स्टिक एनालिसिस की जा सकती है और लाइन चार्ट में लाइन चार्ट एनालिसिस की जा सकती है और बार चार्ट में पैटर्न uh, की एनालिसिस की जा सकती है सो पॉपुलरली ज़्यादातर हम कैंडल स्टिक यूज़ करते हैं बट लाइन चार्ट भी यूज किया जाता है अगर क्लोजिंग पॉइंट तो लाइन चार्ट में बेसिकली ये वाले पॉइंट्स नहीं होते हैं ये वाले पॉइंट्स नहीं होते हैं बार चार्ट में होते हैं लाइन चार्ट में ये जो हाई लोज वाले पॉइंट नहीं दिखाई देंगे आपको आपको ये वाले पॉइंट दिखाई देंगे यानी कि लाइन चार्ट यहाँ से यहाँ से यहाँ की तरफ बनता है ऐसे बनेगा ऐसे क्लोजिंग पॉइंट्स को पकड़ता है वो सो so, तो कैंडल स्टिक चार्ट में भी तीनों चार्ट में सबसे कॉमन चीज है इंटरवल तीनों चार्ट में इंटरवल एक ही जैसा हो सकता है एक्स और वाई एक्सिस एक ही जैसे हो सकते हैं बट स्ट्रक्चर का फर्क हो सकता है ऐसे दिखता है कैंडल स्टिक चार्ट ओपन क्लोज लॉ दोनों केसेज में सो बुलिश कैंडल होती है बेरिश कैंडल होती है दोनों तरीके की कैंडल है आपके पास सो बुलिश कैंडल जो होती है वो ग्रीन कलर की होती है जिसमें ओपनिंग पॉइंट नीचे की तरफ होता है क्लोजिंग पॉइंट ऊपर की तरफ होता है और रेड कलर की कैंडल ऊपर से नीचे की तरफ होती है सो so, uh, दोनों ही सूरतों में uh, हम कैंडल का कलर के थ्रू चेक कर सकते हैं सो so, uh, ऐसी कैंडल्स बनती हैं uh, कैंडल स्टिक चार्ट क्यों यूज किया जाता है ये बेसिकली एक जैपनीज ट्रेडिंग टेक्निक है uh, बहुत सालों से अमूमन सौ साल से पहले या सौ साल के लगभग जेपनीज कम्युनिटीज uh, uh, में ये राइस ट्रेडिंग के लिए यूज़ की जाती थी ये जेपनीज इन्वेस्टर्स इसमें से बाइंग सेलिंग के डिसीजन बनाते थे कैंडल्स बना के uh, हफ्ते की भी कैंडल बनाते थे डेली की भी बनाते थे मंथली भी बनाते थे और डिसीजन लेते थे कि, कि प्राइसिस कैसे मूव होंगे सो हम आज इसको स्टॉक मार्केट में भी अप्लाई करते हैं सो so बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखने वाली चीज है ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए ही यूज कर सकते हैं आप ठीक uh, है ना सो so, ये जेपनीज कैंडल से क्विक पिक्चर एक बता देती है कि छोटे टाइम फ्रेम में स्टॉक कब बढ़ेगा सो so, हम जो अभी आपको रोज बताते हैं स्टॉक्स उसमें जेपनीज कैंडल ये कैंडल स्टिक का भी रोल है बेसिकली अः इफेक्ट को बताता है कॉज को नहीं बताता है वट इज मोर इम्पोर्टेंट देन वाई वो सेम चीज आ गई है जेपनीज कैंडल्स से सिर्फ इफेक्ट दिखाता है कि क्या हुआ ठीक है ना इसका क्या रीजन था ये नहीं बताता सो so, वही वही जो हमने आपसे कैंडल टेक्निकल सो कैसे अब हम देखना चाहेंगे कि कैसे कैंडलस्टिक पैटर्न्स बनते हैं और किस टाइप के सो कैंडलस्टिक पैटर्न से मैंने आपको दिखा दिया क्या हो सकता है कैंडलस्टिक पैटर्न से हम एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग को स्टडी कर सकते हैं हम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का अफेक्ट स्टडी कर सकते हैं हम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के हिसाब से कॉन्फिडेंट डिसीजंस ले सकते हैं अबाउट बाइंग सेलिंग और होल्डिंग कि आपने स्टॉक जो खरीदा है वो कब खरीदना है उसको होल्ड करना है नहीं करना है ये बेचना है ये सारे डिसीजन यानी कि पॉइंट ऑफ एंट्री बताता है यानी कि कैंडलस्टिक पैटर्न क्या बताता है कैंडलस्टिक पैटर्न बेसिकली पॉइंट ऑफ एंट्री सजेस्ट करता है पॉइंट ऑफ एंट्री सजेस्ट करता है आपको तो कैंडलस्टिक पैटर्न काफी इंपॉर्टेंट प्रशन है जो लोग टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू पॉइंट ऑफ एंट्री शॉर्ट टर्म के लिए सजेस्ट करना चाहते हैं सो so ये लोग मान लें टेक्निकल एनालिसिस में कोई भी लॉन्ग टर्म प्रपोजल्स नहीं डिस्कस किया जाए अमूमन बहुत लोग पूछते हैं हमसे ये स्टॉक हमने लिया है इसका छह महीने का ऑरिजन क्या है ये नहीं डिस्कस नहीं बताया जा सकता टेक्निकल एनालिसिस सिर्फ शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए ज्यादातर बना है बट uh, कुछ थ्योरीज ऐसी हैं जो बहुत लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग बट टेक्निकल पैटर्न इतनी लॉन्ग टर्म स्टोरीज में एफिशियंट नहीं है छोटी ट्रेडिंग के हिसाब से फिर भी ठीक है जल्दी प्रॉफिट बना ले वो ज्यादा अच्छा है जब इतनी एनालिसिस कर रहे हैं सो so, ऑल्दो एनालिसिस करने के लिए जब हम देखेंगे तो कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में हम लोग बताएंगे कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स के थ्रू कैसे बाइंग और सेलिंग के डिसीजन लिए जा सकते हैं so, uh, हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं तो उसके थ्रू हम देखें वन एक तीन कैंडलस्टिक के स्ट्रक्चर्स हैं वन कैंडलस्टिक पैटर्न टू कैंडलस्टिक पैटर्न थ्री कैंडलस्टिक पैटर्न कैंडल uh, को देख के क्या डिसाइड किया जा सकता है कि इसमें एंट्री बनाई जाएगी या एंट्री नहीं बनाई जाएगी तो ये कैंडल को देख के डिसाइड किया जा सकता है कैंडल को देख के एंट्री पॉइंट बनाया जा सकता है सो कैंडल स्टिक पैटर्न उस पर्पज के लिए ही बनाए गए हैं जिस हिसाब से आपको अपनी एंट्री पॉइंट बट जैसे कि आपको बता दिया गया है कि ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए है एक से लेके पांच दिन के ओरइजन के लिए यूज किए जा सकते हैं लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए एप्लीकेबल नहीं है uh, कुछ पैटर्न में आपको दिखाऊंगा समझाने की कोशिश करूंगा कि कैंडल स्टिक पैटर्न क्योंकि सिर्फ कैंडलस्टिक चार्ट में ही देखे जा सकते हैं इसीलिए कैंडलस्टिक चार्ट्स आर पॉपुलरली यूज्ड सबसे ज्यादा यूज होते हैं कि एक तो उसमें वो चारों चीजें दिखाई देती हैं जो बार चार्ट में दिखाई देती हैं दूसरा जो बार चार्ट में कैंडल की शेप नहीं पता लगती वो कैंडल की यानी कि अगर आपको कैंडल एनालिसिस करना है कैंडल चार्ट पढ़ना है तो आपको कैंडल टाइप का चार्ट ही लगाना पड़ेगा क्योंकि बार चार्ट और लाइन चार्ट में वो वो नहीं पढ़ा जा सकता है सो जेपनीज कैंडल स्टिक सबसे पहले हम देखेंगे वन कैंडल स्टिक पैटर्न वन कैंडल स्टिक पैटर्न का मतलब होता है कि एक कैंडल को देख के पहचानना कि कौन सा स्टॉक में अप ट्रेंड आएगा या कौन से स्टॉक में डाउन ट्रेंड आएगा सो so, वन को हम टेक्निकल लैंग्वेज में अम्ब्रेला अम्बरेलाइंस भी बोलते हैं सो so, ये चलिए एक पढ़ाई लिखाई का क्वेश्चन है इसको एग्जाम में पूछा जाता है ज्यादा आप लोगों को जिसको एग्जाम नहीं देना है उसके लिए ये क्वेश्चन नहीं है सर्टिफिकेशन लेवल पे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं अम्ब्रेला लाइन्स कौन से पैटर्न को बोला जाता है सो so, वो थियोरेटिकल क्वेश्चन के लिए ठीक है ट्रेडिंग के लिए इसका कोई खास महत्व नहीं है सो so, uh, कैंडलस्टिक पैटर्न जो कि वन कैंडलस्टिक पैटर्न में एक पैटर्न का नाम है हैंगिंग मैन और दूसरे पैटर्न का नाम है हैमर ये दो तरीके के नाम हैं हर कैंडलस्टिक पैटर्न का कोई नाम है अमूमन पचास से लेके कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं हर पैटर्न अपने आप में बना है जो किसी प्रकार की साइकोलॉजी बताता है सो हैंगिंग मैन में आपको दिखाऊंगा मैं आपको हैमर दिखाऊंगा सो so, इसके लिए सबसे पहले हमें कैंडल स्टिक चार्ट लगाना पड़ेगा और उस कैंडल स्टिक चार्ट का कोई टाइम इंटरवल लगाना पड़ेगा सो so, वो टाइम इंटरवल पांच मिनट दस मिनट पंद्रह मिनट बीस मिनट आधा घंटा एक घंटा डेली मंथली वीकली ईयरली हो सकता है लेकिन कौन सा कैंडल पैटर्न कौन सा कैंडल चार्ट लगाना अप्रोप्रिएट है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा अगर कैंडलस्टिक पैटर्न में जो सबसे पहला पैटर्न है जिसका नाम है हैमर उसकी क्या साइकोलॉजी है किस साइकोलॉजी पे वो बना है पैटर्न सबसे पहले मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में हो तो यानी कि ये इसकी साइकोलॉजी है पैटर्न की तो मार्केट डाउन ट्रेंड में ही होनी चाहिए सबसे पहले यानी कि अप ट्रेंड में हैमर नहीं बन नहीं देखना चाहिए सबसे पहले एक मार्केट जो कि डाउन ट्रेंड की तरफ जा रही है स्टॉक का प्राइस गिर रहा है सो so, यहां पे एक की फिगर आ रही है आपके पास सो so, एक ऐसा पॉइंट जरूर आएगा एक ऐसा पॉइंट जरूर आएगा गिरने के बाद जहां से मार्केट एक रिवर्सल लेना चाहेगी जहां से मार्केट रुकना चाहेगी और वहां से बढ़ना चाहेगी उस पॉइंट को पहचानने के लिए हम इस पैटर्न को खोजते हैं सो so, जो लोग हैवी बिकवाली कर रहे हैं सेल ऑफ हो रहा है बड़ा जबरदस्त जैसे कि कोरोना वायरस टाइम में देखा गया स्टॉक में हैवी सेल ऑफ आया वो सेल ऑफ कहाँ तक रुका कहाँ तक रुक जाएगा वो किसी को नहीं पता है लेकिन पैटर्न डिस्कवरी इसके लिए की जाती है कि वो पैटर्न कहाँ तक बनेगा सो so, uh, कैसा होता है ये पैटर्न सो साइकोलॉजी में सबसे पहले आपने देखा कि पैटर्न नीचे की तरफ बनेगा पैटर्न डाउन ट्रेंड में बनेगा यानी कि इस पैटर्न अप ट्रेंड में नहीं बनेगा स्टॉक मार्केट में एक बेसिकली सिनेरियो है स्टॉक में कम से कम गिरावट देखी जा रही है दस से पंद्रह दिन की या पाँच से सात दिन की यानी कि गिरावट है जितनी लंबी गिरावट है उतना अच्छा है सो so, पैटर्न कैसा आप दिखाई देगा जनरली ऐसा दिखाई देगा जैसा आपके सामने शेप लगा हुआ है कलर रेड और ग्रीन कलर का हो सकता है वाइट और ग्रीन दोनों किसी भी कलर का हो सकता है ये पैटर्न या तो ग्रीन कलर का हो सकता है या रेड कलर का हो सकता है पैटर्न uh, में बॉडी और शेडोज दिखाई दे रही हैं सो so बॉडी जो पैटर्न की है वो लगभग शेडो से लोअर शेडो से लगभग कम साइज की होगी ऊपर की तरफ बॉडी होगी नीचे की तरफ शेडो होगी यानी कि एक हैमर जैसी शेप आएगी अपर शेडो छोटी सी भी हो सकती है या बिल्कुल नहीं भी हो सकती है दोनों तरीके की यानी कि ऐसी भी हो सकती है हैमर कैंडल इसको भी हैमर बोला जाता है शेडो अमूमन लोअर जो शेडो है लगभग दो गुना से ज्यादा बड़ी होगी दो गुना तीन गुना यानी कि मिनिमम दो गुना इस बॉडी का साइज से लगभग दो गुना होगी तो देख लें ये दो गुना है या इससे ज्यादा बड़ी भी हो सकती है सो so ये इसका एक तरीका है इसकी शक्ल पहचानने का कि कैसा और ये डाउन ट्रेंड में बनेगी सबसे बड़ी बात एक वन कैंडल स्टिक पैटर्न है यानी कि इसका मतलब ये है कि यहाँ पे बुल्स आ गए हैं हैमर बनने का मतलब क्या है कि डाउन ट्रेंड खत्म हो गया है स्टॉक में बुल रन आ सकता है स्टॉक यहाँ से एक अप ट्रेंड की तरफ ले सकता है सो so हैमर सिग्नल बेसिकली क्या दिखाता है हैमर सिग्नल बोलते हैं इसको हैमर सिग्नल बेसिकली एक स्ट्रॉन्ग डे की तरफ इशारा करता है कि यहाँ से एक अगले दिन जो सुबह एक बुलिस ट्रेंड आ सकता है सो बट कैंडल को पहचानने का जो ढंग है वो बता दिया है आपको लाइव भी आपके सामने रखेंगे ये कैसे दिख सकता है सो so, आप अमूमन देखें ये बायोकॉन का एक डेली कैंडल स्टिक चार्ट है so, स्टिक चार्ट में इस जहाँ पे सर्कल किया हुआ ये एक हैमर कैंडल स्टिक है उससे पहले गिरावट देखी गई है स्टॉक में स्टॉक एक हैवी डाउन ट्रेंड की तरफ गया और लगभग यहाँ बिल्कुल बॉटम पे एक हैमर कैंडल फॉर्म हो गई है जिसको हम मान लेते हैं एंड ऑफ डाउन ट्रेंड और जैसे ही वो हैमर कैंडल बनी है उसके बाद स्टॉक सीधा ट्रेंड में खड़ा हो गया है सो हैमर कैंडल बननी कहाँ चाहिए बहुत इम्पोर्टेंट है वो जानना किस शेप की वो कैंडल होती है उसमें बॉडी कितनी बड़ी होती है शेडो कितनी बड़ी होती है अपर शेडो होती है या नहीं होती है लोअर शेडो दो से तीन गुना होती है या चार गुना तक भी हो सकती है कलर ऑफ हैमर ग्रीन भी हो सकता है रेड भी हो सकता है बहुत सारी चीजें उसमें जानने के लिए हैं सो so, ये एनालिसिस करना इजी जॉब नहीं होता है इसमें बहुत पढ़ना पड़ता है सालों की पढ़ाई है इसमें अभी बहुत कुछ है आगे पढ़ने के लिए बट पढ़ने से जरूरी नहीं होता कि पैसा बनेगा पैसा बनने की टेक्निक अलग है पढ़ने की टेक्निक अलग है आ, हम आपका कॉन्फिडेंस इसलिए बिल्ट अप कर रहे हैं कि आपको टेक्निकल एनालिसिस की पावर समझ में आए सो so, जो सिस्टम या सॉफ्टवेयर हम आपको दिखाते हैं जिनका बेस हम आपको बताते हैं कि ये टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर बेस्ड सो आपको पता लगना चाहिए कि टेक्निकल एनालिसिस में कैसी कैसी स्ट्रेटजीज हैं कैसे कैसे हम उन स्ट्रेटजीज को यूज करते हैं सो so, ये एक हैमर कैंडल है सो so, दोस्तों यहाँ पांच मिनट का एक ब्रेक लिया जाएगा पांच मिनट बाद हम वापिस आएंगे लगभग आप बने रहें सो so, अभी फिलहाल चार बज के आठ मिनट हुए हैं हम चार बज के पंद्रह मिनट तक वापस आएंगे और इस सेशन को आगे रिज्यूम करेंगे तो आप बने रहें थैंक यू वेलकम बैक सेशन को आगे बढ़ाते हैं uh, आप जैसे देख रहे हैं कि हैमर कैंडल एक तरीके से एक बुलिश सिग्नल प्रोड्यूस कर रही है जिससे कि बाइंग ट्रेंड बना है सो so, ये क्या प्रोड्यूस कर रही है सिग्नल बेसिकली ये एक तरीका हुआ जिससे हम सिग्नल बनाते हैं सिग्नल बनाया जाता है हैमर कैंडल के ऊपर और ये सिग्नल बाई का हो सकता है सो so, हैमर कैंडल बेसिकली एक तरीके का सिग्नल बना रही है जो कि बाइंग की तरफ लेकिन गिरावट के बाद सो so ऐसे ही आपको सिग्नल देखने हैं जो कि कैंडलस्टिक स्टिक पैटर्न से बनते हैं जिसको हम बोलते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न्स सो so कैंडलस्टिक पैटर्न हम आपको एक और डिस्कस करेंगे हैमर के साथ सो बेसिकली so उसका नाम रहेगागिंग मैन सो हैंगिंग मैन में भी पैटर्न लगभग एक ही जैसा दिखाई देता है बट फर्क सिर्फ यही है कि ये अप ट्रेंड में बनता है सो so, अप ट्रेंड में अगर पैटर्न बनता है जो कि हैमर जैसा ही है कलर ग्रीन रेड कुछ भी हो सकता है लेकिन ट्रेंड जब अब यानी कि स्टॉक का प्राइस जब ऊपर जा रहा होगा सो so, हैमर तब हैमर एक बाई सिग्नल बनाता है और हैंगिंग मैन एक सेल सिग्नल बनाता है सो so, कैसे ये दिख, दिखता है कहाँ पे दिखता है देखें देखें ये सिग्नल आप देखें ये हैंगिंग मैन है तो डॉक्टर रेड्डी का एक डेली चार्ट आप देख रहे हैं सो जहाँ पे आप पैटर्न देख पा रहे हैं रेड कलर का हैमर उससे पहले स्टॉक एक अप ट्रेंड में था प्राइमरी ट्रेंड भी इसको बोल सकते हैं सो एक प्राइमरी ट्रेंड में था स्टॉक और यहाँ से जाके आप इसको बोल सकते हैं कि स्टॉक में एक टॉप देखा गया टॉप देखा गया जो कि हैंगिंग मैन है सो एक सेल का सिग्नल देखा गया जिस वजह से स्टॉक में एक पर्टिकुलर गिरावट देखी जा सकती है सो so, इस तरह इस तरह हम पैन कैंडल के पैटर्न स्टडी करते हैं और ये ऐसे बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं इनको पूरा पढ़ने के लिए आप हमसे और डिटेल्ड में ट्रेनिंग ले सकते हैं जिससे हम आपको सारे पैटर्न्स की नॉलेज दे सकते हैं बट इनके लिए काफ़ी पढ़ाई करनी पड़ेगी आप लोगों को एक काफ़ी नॉलेज लेवल गेन करना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंगली हम हम अपने सिस्टम में इन सब को यूज़ करते हैं इन स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करते हैं सो so, जो सिग्नल हमने आपको अभी तक दिखाए हैं जिसमें हमने आपको बताते हैं कि रोज़ जो हम स्टॉक बनाते हैं उसमें हम एक सिग्नल प्रोड्यूस करते हैं सो so, जैसे अभी एक आपको रिलायंस के केस में एक सिग्नल दिखाएंगे कि कैसे सिग्नल बनाया जाता है और कैसे उस पर काम किया जाता है तो so, पैरल हम एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को भी कवर करें सो देखें रिलायंस सो so, रिलायंस में देखें एक सिग्नल बनाया गया बाई का तीन दिन पहले और स्टॉक में ये सिग्नल पॉइंट जिस पॉइंट पे आप देख रहे हैं लगभग इक्कीस सौ पे सिग्नल हमने आइडेंटिफाई करा मिडिल ऑफ द डे ऑफ द मार्केट सो आज स्टॉक देखें तेईस सौ के प्राइस पे बिहेव कर रहा है चार्ट भी आप देखें कैंडल आज जिस, जिस दिन सिग्नल बना उसके अगले दिन एक बहुत अच्छा ट्रेंड देखा गया और उसके अगले दिन एक बहुत अच्छा ट्रेंड देखा गया तो दो स्टॉक तीन दिन में लगभग दो सौ रुपए के करीब मूव करा सेम केस कल मनापुरम के केस में भी देखा गया हमने आपको सिग्नल प्रोड्यूस करा कल मनापुरम में एक सौ छियालीस रुपए दस पैसे पे और एंट्री बताई गई मिडिल ऑफ द डे एक सौ पचपन रुपए के आसपास कि आप प्राइस पे एंट्री कर लें फ्यूचर का शेयर छ लॉट का था और स्टॉक एक सौ रुपए अगले दो घंटों में पहुंचा और लगभग इक्कीस हजार रुपए का मुनाफे की तरफ स्टॉक गया सो so, ऐसे हम सिग्नल बनाते हैं तो so, आपको भी यही दिखा रहे हैं कि आप लोग सिग्नल कैसे बना सकते हैं सिग्नल चार्ट के ऊपर बाय या सेल की फॉर्म में दिखाए जा सकते हैं रीजन ऑफ सिग्नल कभी नहीं दिखाया जाता कि किस वजह से वो सिग्नल बनाया जा रहा है चाहे वो हैंगिंग मैन की वजह से बन सकता है चाहे वो हैमर की वजह से बन सकता है किसी भी वजह से सिग्नल सिग्नल कई तरीके से बन सकते हैं मैंने आपको सिर्फ अभी उसकी एक वजह दिखाई है जिसको हम बोलते हैं कैंडल स्टिक पैटर्न सो so, कैंडल स्टिक से भी सिग्नल बनाए जा सकते हैं सो so, जो लोग कैंडल स्टिक पैटर्न से सिग्नल बनाने बनाए बनाना चाहते हैं उनको सारे कैंडल स्टिक पैटर्न पढ़ने पड़ेंगे अः अब हम डिस्कस करेंगे इंडिकेटर्स एंड ऑसिलेटर्स ये भी एक मेथड है सिग्नल बनाने का इनसे भी हम सिग्नल बना सकते हैं सो so, इनसे कौन से इनसे देखिए हर टाइप का सिग्नल अलग अलग पॉइंट्स पे बन सकता है ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर का हर जैसे आप देखते हैं कि हर आदमी की एक अपने प्रिडिक्शन है सेम केस के बारे में सो so, अगर अगर अभी आप कोई भी सिनेरियो लेंगे पॉलिटिकल सिनेरियो भी लेंगे सो so, हर आदमी का एक अपना अलग होराइजन होता है इसी तरह स्टॉक मार्केट में सिग्नल बनाने वालों का अलग अलग लेवल होता है कोई रिलायंस को तेईस पे बनाता है सिग्नल कोई सिग्नल इक्कीस पे बनाता है कोई सिग्नल इक्कीस पे बनाता है कोई बाईस पे बनाता है डिपेंड करता है वो क्या यूज कर रहा है सो so, एक और मेथड जिससे कि सिग्नल बनाए जा सकते हैं वो है इंडिकेटर एंड ऑसिलेटर्स क्या होते हैं इसको दिखाएंगे आपको कैसे यूज़ करते हैं ये इंडिकेटर एंड ऑसिलेटर्स इसके बारे में आप डिटेल बात करेंगे इंडिकेटर uh, एक ऑसिलेटर्स की थ्योरी पहले दिखा दें बेसिकली इंडिकेटर क्या होता है पहले ये बात समझ लें इंडिकेटर बेसिकली एक फार्मूला एक मैथमेटिकल एक फार्मूला जिसको हम इंडिकेटर बोलते हैं सो इट्स अ मैथमेटिकल फार्मूला जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर एवरेज एवरेज फार्मूला एवरेज स्टैंडर्ड डेविएशन मैथमेटिक्स में बहुत सारे फार्मूलाज हैं जिनसे हम आउटकम लेते हैं उस पर्टिकुलर एवरेज एक सिंपल तौर पे जिसको जो मेरे ख्याल सबको समझ में आ सकता है सो so, ये लेकिन मैथमेटिकल फार्मूला लगाया कहाँ जाता है ये एक्चुअली में लगाया जाता है चार्ट के ऊपर चार्ट के ऊपर क्या दिखा चार्ट में क्या होता है चार्ट में प्राइस होता है चार्ट में वॉल्यूम होता है चार्ट में ओपन इंटरेस्ट होता है सो चार्ट के ऊपर लगाया जाता है जनरली चार्ट में प्राइस तो होता ही होता है सो ये उन प्राइसिस के ऊपर लगाया जाता है जहाँ जिस क्या फर्क पर इससे सिग्नल बनाया जाता है इससे आप क्या फर्क इससे आप क्या कर सकते हो इससे आप एंटिसिपेट कर सकते हो कि उस स्टॉक का फ्यूचर प्राइस क्या होगा सो हम जो आपको सिग्नल दिखा रहे हैं अभी दिखाए थे रिलायंस में आपको जो भी हम भी सिग्नल बनाते हैं उसमें कैंडलस्टिक पैटर्न्स का भी यूज किया जाता है उसमें इंडिकेटर्स का भी यूज़ किया जाता है और उसमें कुछ मैथमेटिकल फार्मूलाज भी लगाए जाते हैं सो so, इसको अभी लगा के दिखाएंगे बट ये बात बहुत अच्छी तरह समझ ली जाए कि मैथमेटिकल फार्मूला लगाए कहाँ जाते हैं मैथमेटिकल फार्मूला लगाने के लिए डेटा चाहिए डेटा हम चार्ट की फॉर्म में देखते हैं सो so, उसके ऊपर ये सब कुछ लगाया जा सकता है सो टेक्निकल इंडिकेटर इज़ नथिंग बट अ टेक्निकल फॉर्म मैथमेटिकल फार्मूला अप्लाइड ओवर प्राइस वॉल्यूम ओपन इंटरेस्ट सो इसको आगे समझते हैं क्या करता है टेक्निकल इंडिकेटर बेसिकली तीन काम करता है अलर्ट अलर्ट बताता आपको आपको सावधान करता है आपको कंफर्म करता है और आपको प्रिडिक्ट करता है तीन काम करता है आपके लिए टेक्निकल इंडिकेटर ये तीन काम आपके लिए करता है प्रीडिक्ट अलर्ट कन्फर्म आपको बताता है खरीदारी आ रही है अलर्ट करता है आपको जगाता है आपको खरीदारी आने से पहले बताता है खरीदारी आ सकती है आपको कंफर्म करता है खरीदारी आ चुकी है कई चीजें बताता है आपको टेक्निकल इंडिकेटर दो प्रकार के हैं इंडिकेटर ब्रॉडली हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं लीडिंग और लेगिंग लीडिंग इंडिकेटर बेसिकली वे वो इंडिकेटर माने जाते हैं जो कि आपको Uh, बहुत पहले बता देते हैं प्राइस बढ़ने से पहले बता देते हैं लैगिंग इंडिकेटर वो है जो प्राइस बढ़ने के बाद बताते हैं सो लीडिंग इंडिकेटर वो इंडिकेटर है जो बेसिकली अर्ली सिग्नलिंग बहुत जल्दी बता देते हैं आपको बढ़ने से पहले यानी कि आपको ट्रेडिंग परस्पेक्टिव से यूज करने चाहिए जो ट्रेडर है वो तो प्राइस मूवमेंट के बाद नहीं लेना चाहेगा वो सिग्नल वो तो चाहेगा मैं प्राइस मूवमेंट से पहले लू कौन है जो तेईस सौ रुपए पे अब रिलायंस बाय करना चाहेगा लेगर लीडर लीडिंग इंडिकेटर वाला तो इसको 2150 पे बाय कर चुका है लेकिन कौन ऐसा आदमी है जो सोने को बावन हजार पे बाय करना चाह रहा है जिसने छत्तीस हजार पे नहीं किया जिसने पैंतीस हजार पे नहीं किया जिसने तीस हजार पे नहीं किया जिसने पच्चीस हजार पे नहीं किया वो पचपन हजार पे क्यों खरीदना चाहता है सोना क्योंकि वो लीडिंग इंडिकेटर अप्रोच से नहीं जुड़ा हुआ है वो लैगिंग अप्रोच से जुड़ा हुआ है तो लीडिंग इंडिकेटर बेसिकली प्राइसेस को लीड करने से पहले अपॉर्चुनिटी देते हैं आपको सिग्नलिंग की और ये बेसिकली आपको बड़े लोअर प्राइस पे बता देते हैं कि आपको खरीदारी करनी चाहिए सो so ये तो हुआ लीडिंग इंडिकेटर के बारे में बात सो लीडिंग इंडिकेटर का मतलब हो गया ऐसे फार्मूला ऐसे फार्मूला जो आपको पहले बता देते हैं बाद में नहीं बताते अब ऐसे कौन से फॉर्मूला अब अगर आप ये बात समझेंगे कि जैसे कि जैसे लीडिंग इंडिकेटर का एग्जाम्पल आपको बताएं कि जिसमें हम आपको सोने का एग्जाम्पल दें कि लीडिंग इंडिकेटर आपको बता सकता है एक प्रिडिक्शन दे सकता है पहले ही एडवांस में कि सोना जो है वो दिवाली के आसपास बढ़ता है सो so, या ग्रोसरी की डिमांड एक से लेकर दस तारीख तक ज्यादा रहती है सो so ये एक लीडिंग अप्रोच है यानी कि पहले ही बता देना कि ऐसा कुछ होने वाला है ये काम होता है लीडिंग सो लीडिंग इंडिकेटर बेसिकली सो न्यूज अगर माने तो एक लीडिंग इंडिकेटर है न्यूज हमें एक्चुअली पहले ही बता देती है कि स्टॉक का प्राइस बढ़ने वाला है न्यूज अगर कोई ट्रैक करे सो so अगर कोई न्यूज ट्रैक कर रहा है सो so, वो बेसिकली सो uh, so, uh, अगर कोई अगर कोई अगर कोई न्यूज uh, को ट्रैक करता है तो वो ये जान ले कि न्यूज uh, आपको पहले ही बता देंगी कि ये स्टॉक बढ़ने वाला है सो ऑब्वियसली सी जब हाईक आप देखते हैं तो सी आर न्यूज पहले ही आपको ये बता देती है कि आज कुछ क्रेडिट पॉलिसी में चेंजेस हैं और वो क्रेडिट पॉलिसी uh, के अकॉर्डिंगली वॉलीटिलिटी इन बैंकिंग स्टॉक्स आ सकती हैं सो दीज आर दीज आर स्टैंडर्ड लीडिंग थियोरीज इन स्टॉक मार्केट्स एंड जनरली इसको हम टेक्निकल लैंग्वेज पे भी एनालाइज कर सकते हैं सो लीडिंग अप्रोच इस तरीके से एनालाइज की जा सकती है और अगर हम लैगिंग अप्रोच की बात करें सो लैगिंग अप्रोच का एक्जाम्पल अगर आपको दें तो uh, एक एग्जाम्पल है शुगर मर्चेंट का जो कि शुगर खरीदना चाहता है और अपने स्टोर में रखना चाहता है सो वो क्या देखेगा उसको 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 अगर आप माने कि अगर अगर आप माने कि शुगर मर्चेंट जो है वो चीनी खरीदना चाह रहा है और एक वो उसको वो क्या जानना चाहेगा वो ये जानना चाहेगा कि मेरे लिए सबसे बेहतरीन समय क्या होगा सो वो बेहतरीन समय वो कैसे जाने तो so, वो एक लैगिंग अप्रोच के थ्रू काम करते हैं इसको डिलेड अप्रोच भी बोलते हैं सो डिलेड अप्रोच में वो क्या जानना चाहेगा वो ये जानना चाहेगा कि क्या मेरे खरीदने क्या मेरे ख़रीदने के बाद मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी वो पंद्रह से बीस दिन या तीस दिन के प्राइजेस को वॉच करना चाहेगा वो ये चाहेगा कि मैं तीस दिन तक प्राइजेस को वॉच करता हूँ और ये देखता हूँ ये ऊपर जा रहे हैं नीचे जा रहे हैं यानी कि जब वो खरीदेगा शुगर को वो एक बहुत लेगिंग अप्रोच में खरीदेगा यानी कि शुगर के प्राइस तब तक बढ़ चुके होंगे या, या शुगर के प्राइजेज ऑलरेडी एक मूवमेंट आ चुकी होगी इस अप्रोच को बोलते हैं लेगिंग अप्रोच इन दोनों अप्रोच को हम डील करते हैं स्टॉक मार्केट्स में थ्रू इंडिकेटर्स और जनरली ये एक लेगिंग अप्रोच दिखा रहे हैं एक एक ऐसे एक थोड़ा एक पुराना एग्जांपल ले रहे हैं अभी नया एग्जांपल हमने बनाया नहीं है आप तो गोल्ड का प्राइस पचास हजार के ऊपर पहुंचा हुआ है लेकिन ये एग्जांपल ले रहे हैं कि अगर गोल्ड के प्राइसेस पाँच दिन के ये हैं सो अगर इनमें एक, एक एक इंडिकेटर लगाया जाए जो कि एवरेज इंडिकेटर है सो बेसिकली वो एवरेज इंडिकेटर इस पांचों दिन का एवरेज तीस हजार के करीब निकाल के दे रहा है आपको सो ये पाँच दिन का एक प्राइस है तीस हजार एक दिन तीस हजार सौ दूसरे दिन तीस हजार दो सौ तीस हजार एक सौ पचास तीस हजार दो सौ सो अब अगर गोल्ड का प्राइस सात छठे और सातवें दिन भी रिकॉर्ड होता है जो कि ये है सो so, जो एवरेज बनेगी अब वो इन द, इन दोनों डेटा को डिस्करेज करेगी सो so, ये अप्रोच जो मानी जाती है सो so, हम इस अप्रोच से क्या देखना चाह रहे हैं हम इस इस फॉर्मूला से क्या देखना चाह रहे हैं हम ये देखना चाह रहे हैं कि पिछले पांच दिन में गोल्ड का क्या एवरेज प्राइस था तो क्या उस एवरेज प्राइस को देख के मुझे ये पता लग सकता है कि मैं गोल्ड प्राइस को खरीदूं या बेचूं क्या गोल्ड प्राइस बढ़ेगा या घटेगा सो so, ये पांच दिन का एवरेज भी हो सकता है पचास दिन का एवरेज भी हो सकता है और बहुत सारे दिन का एवरेज भी हो सकता है सो so, ये एक बेसिकली लैगिंग अप्रोच है सो so, uh, हम लोग लैगिंग अप्रोच भी फॉलो करते हैं स्टॉक मार्केट में लीडिंग अप्रोच भी फॉलो करते हैं सो so, uh, जैसे एक अप्रोच आपको दिखाते हैं जिसमें हम लोग बोलते हैं मूविंग एवरेज सो ये एक टेक्निकल इंडिकेटर है uh, एक तरीके से ये स्टॉक uh, की एवरेज निकाल के आपके सामने रखता है सो so, इसको चार्ट पे कैसे लगाया जाता है आइए पहले ये दिखाते हैं आपको सो so, स्टॉक का नाम मनापुरम फाइनेंस स्टॉक का डे कैंडल स्टिक चार्ट और डेली चार्ट यानी कि ये स्टॉक कैंडल स्टिक डेली चार्ट के ऊपर है तो इसमें अगर हम मूविंग एक इंडिकेटर लगाएं जो कि मूविंग एवरेज इंडिकेटर है सो मूविंग एवरेज मान लीजिए हम लगाते हैं 20 दिन की सो so, लगभग देखें एक ब्लू कलर की लाइन जो कि ये दर्शा रही है कि ये 20 दिन की मूविंग एवरेज है सो so, 20 दिन की मूविंग एवरेज अगर ये अपने आप जो लग के आ गई है ये एक सौ तिरपन रुपए बत्तीस पैसे कल ही कल में स्टॉक ने इस मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड किया है सो so, ये ये जो पॉइंट्स आप देख पा रहे हैं ये पॉइंट्स इसके नीचे आया है ये पॉइंट्स इसके ऊपर आए हैं ये मूविंग एवरेज के पॉइंट्स हैं सो ये मूविंग एवरेज के पॉइंट्स हैं जिस वजह से आप देख पा रहे हैं कि मूविंग एवरेज से फोरकास्टिंग कैसे की जाएगी लैगिंग अप्रोच हो सकती है यानी कि देखिए मूविंग एवरेज के थ्रू स्टॉक को यहाँ इंडिकेशन मिलता है कभी कभी या, अगर यहाँ इंडिकेशन लेना चाहें तो कौन सी अप्रोच फॉलो करनी है सो so, वो डिपेंड करता है कि आप इंडिकेशन कहाँ लेना चाह रहे हैं सो so, ये एक इंडिकेशन हो सकता है बट ये देखें अगर आप इसका छोटा चार्ट करें सो मूविंग एवरेज पैरल आप देख पा रहे हैं हर स्टॉक के प्राइजेस के ऊपर लगी हुई है कभी कभी प्राइस उस मूविंग एवरेज के नीचे चला जाता है कभी कभी प्राइस उस मूविंग एवरेज के ऊपर चला जाता है कभी कभी प्राइस फिर नीचे आ जाता है सो स्टॉक जनरली कब मूविंग एवरेज के ऊपर जाएगा कब मूविंग एवरेज के नीचे जाएगा ये दिखाई दे रहा है देखें आज करंट सिनेरियो में कल ही स्टॉक इस मूविंग एवरेज के ऊपर गया है यानी कि मूविंग एवरेज यहाँ है जो कि नीचे रहा था कुछ दिन से मतलब इतने कुछ टाइम कुछ एक महीने से स्टॉक मूविंग एवरेज के नीचे था मनापुरम का अचानक कल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग आ गई है अगर मंडे को भी मूविंग एवरेज के ऊपर ही रहता है जो कि 20 दिन की है सो तो उम्मीद करी जाती है ये 30 दिन की मूविंग एवरेज के आसपास जाएगा सो तो ये भी एक सिग्नलिंग अप्रोच है इंडिकेटर्स के थ्रू डेवलप करने की सो मूविंग एवरेज हम लगाते हैं थर्टी डेज जो कि हम एक अलग कलर से दिखाते हैं तो ये यानी कि थर्टी डेज के भी ऊपर जा चुका है सो तो अब लगाते हैं फोर्टी डेज दिस इज फोर्टी डेज इसको येलो कलर से दिखाते हैं अब लगाते हैं फिफ्टी डेज या हंड्रेड डेज मान लीजिए सो हंड्रेड यानी के हंड्रेड डेज का जो एवरेज था वो ऑब्वियसली बीस दिन के एवरेज के नीचे है मतलब कहने का ये है कि पचास लास्ट सौ दिन से जो एवरेज प्राइस चल रहा है वो नीचे आ रहा है और यानी के ज्यादातर जो पिछले 20 से 50 दिन में प्राइज मूव हुए हैं वो ज्यादा जल्दी so, मूव किए हैं सो एवरेजली स्टॉक अपनी चारों एवरेज के ऊपर आ चुका है सबसे पहले वो 100 दिन के एवरेज के ऊपर आया फिर वो 20 दिन के एवरेज के ऊपर आया फिर वो 30 दिन के एवरेज के ऊपर आया फिर वो 40 दिन के एवरेज के ऊपर आया अब वो एक्चुअली इन सारी एवरेज के ऊपर चल रहा है सो so, क्या वो दो दिन के एवरेज के ऊपर भी चल रहा है वो भी आप चेक कर सकते हैं वो दो दिन के एवरेज के भी ऊपर चल रहा है सो so, ये सारी चीज़ें इंडिकेटर के थ्रू चेक की जा सकती हैं ऑब्वियसली एक स्ट्रेट फार्मूला है जिसके थ्रू हम कुछ बायस डिसीजन ले सकते हैं सो so, ऐसे बहुत सारे फार्मूलाज हैं दोस्तों हमारे पास हर फार्मूला की अपनी एक स्ट्रेटजी है हर फार्मूला की अपनी एक साइकोलॉजी है सो so, ये फार्मूला मूविंग एवरेज का है जो कि बहुत ही सिंपल है सो so, इसको बोलते थे हम इंडिकेटर अब हम बात करेंगे ऑसिलेटर के ऊपर so, सो ऑसिलेटर बेसिकली एक तरीके का इंडिकेटर ही माने आप इसको लेकिन ऑसिलेटर जो है ऑसिलेटर जो है वो एक बैंड में काम करता है ऑसिलेटर एक बैंड में काम करता है बैंड क्या होता है एक एक जैसे एक अपर बैंड और एक एक लोअर बैंड सो अपर बैंड और लोअर बैंड जो है वो ऑसिलेटर की तरह दिखाते हैं सो so एक जैसे एक एक एक, 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 एक ऐसा फॉर्मूला जो कि जैसे एज है एज का एक अपर बैंड एक लोअर बैंड और अपर बैंड एक साल से सौ साल का एक बैंड हो सकता है ठीक है ना जैसे आप थर्मामीटर में भी अगर नापेंगे तो आपको एक ऑसीलेटर थर्मामीटर एक ऑसिलेटर है एक इंडिकेटर नहीं है ठीक है ना ऑसिलेटर का मतलब वो टेम्परेचर 98 से 107 के बीच में ही देता है सो so ये ऑसिलेटर हो सकते हैं वो सारे सो so हमारे पास भी स्टॉक मार्केट्स में कुछ इंडिकेटर्स हैं कुछ ऑसिलेटर्स हैं सो जो लोग ऑसिलेटर यूज करना चाहते हैं वो ऑसिलेटर यूज कर सकते हैं जो इंडिकेटर यूज करना चाहें वो इंडिकेटर यूज कर सकते हैं ऑसिलेटर की एक डिफाइंड बैंड है जिसके अंदर वो काम करता है सो स्टॉक मार्केट में जो वो बैंड है वो हर ऑसिलेटर का अलग अलग है सो so उस ऑसिलेटर को मैं आपको यूज करके दिखाऊंगा कैसे आप यूज कर सकते हैं सो so एक ऑसिलेटर की बात करेंगे जिसका नाम है आर एस आई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इस ऑसिलेटर को हम कैसे यूज कर सकते हैं ये क्या काम करता है ये ऑसिलेटर इंडिकेटर मैंने आपको दिखाया है जो कि एवरेज क्योंकि इंडिकेटर जब आप एवरेज यूज कर सकते हैं तो कुछ भी हो सकती है उसकी कोई डिफाइंड रेंज नहीं है वो पांच हजार भी आ सकती है अगर मारुति का प्राइस पांच हजार है तो वो पांच हजार की एवरेज पे काम करेगा लेकिन ऑसिलेटर हमेशा एक रेंज में काम करते हैं so, सो ऑसिलेटर के लिए सबसे पहला ऑसिलेटर दिखा रहे हैं आर एस आई स्ट्रेंथ इंडेक्स सो इसको बेसिकली एक मोमेंटम ऑसिलेटर बोला जाता है सो मोमेंटम ऑसिलेटर से मतलब है ये एक स्पीड बताता है स्टॉक की कि स्टॉक किस स्पीड पे बढ़ रहा है किस स्पीड पे बढ़ेगा आगे सो so, इसको कैसे पढ़ा जाता है इस ऑसिलेटर को वो हम आपको दिखाएंगे इसको हम आपको दिखाएंगे भी इस ऑसिलेटर को कैसे कैलकुलेट किया जाता है सो so, इससे पहले क्योंकि एक मोमेंटम ऑसिलेटर है सो तो हम इसके लिए सबसे पहले मोमेंटम को समझ लें मोमेंटम बेसिकली एक रेट ऑफ चेंज है किस गति से आपकी स्पीड चेंज होती है ये मोमेंटम बताता है स्टॉक और गाड़ी की स्पीड एक जैसे एग्जाम्पल हैं। एक ऐसी स्पीड जिस पे स्टॉक बढ़ रहा है या घट रहा है सो so, जैसे कि आप एक एग्जाम्पल समझ लें कि अगर आप माने आप एक आप एक गाड़ी चला रहे हैं अपने दोस्त की और आप ये नहीं देख रहे कि इस समय कि आप किस स्पीड पे काम कर रहे हैं आपका गाड़ी की स्पीड आप स्पीडोमीटर नहीं देख रहे हैं Uh, आप सिर्फ देख रहे हैं कि uh, कार जो है वो स्लो हो रही है uh, और कभी कार फास्ट हो रही है सो so आप बेसिकली uh, उसकी स्पीड को घटा रहे हैं आप घटा रहे हैं और बढ़ा रहे हैं सो so, uh, जिस गति से uh, आप स्पीड को घटा बढ़ा रहे हैं वो मोमेंटम है बेसिकली सो so, uh, आपको कहाँ ज़्यादा तेज जाना है कहाँ ज्यादा स्लो जाना है तो आप आप एक अचानक जो, जो स्पीड बढ़ा रहे हैं या अचानक जो स्पीड घटा रहे हैं वो अचानक जो हो रहा है वो मोमेंटम है कितनी गति से कितनी तेजी से आप स्पीड को चेंज कर रहे हैं तो इसको कैच स्टॉक मार्केट में कैसे क्योंकि स्टॉक भी अचानक यही बढ़ता और घटता अचानक है स्टॉक कभी भी बढ़ सकता है स्टॉक कभी भी घट सकता है सो उसको पहचानने के लिए हम एक मोमेंटम ऑसिलेटर यूज करेंगे रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स ऐसे दिखता है वो स्टॉक प्राइस के ऊपर लगाया जाता है ये स्टॉक प्राइस का एक चार्ट देख रहे हैं ऊपर आप सन फार्मा का चार्ट है ऊपर सो तो ये जो चार्ट आप देख रहे हैं, दिस इस बार तो का बार देख रहे हैं और सन फार्मा के बार चार्ट के ऊपर ये मोमेंटम ऑसिलेटर हम लगा रहे हैं तो आर एस आई इंडिकेट ऑसिलेटर है और इसका जो स्केल होता है दोस्तों ये लगभग जीरो से हंड्रेड के बीच में होता है इस हंड्रेड के बीच में इसका स्केल चलता है इस स्केल के बीच में हम इस मोमेंटम ऑसिलेटर को लगाते हैं सो so, इसका मतलब ये इससे जीरो से नीचे नहीं जा सकता सौ के ऊपर नहीं जा सकता सो so, ये इसका एक इसकी वो है रेंज जिस हिसाब से हमने आपको बताया कि ऑसिलेटर बेसिकली एक तरीके से आपको एक बैंड प्रोवाइड करता है तो so, ये बैंड जो है वो आप देख पा रहे हैं ये ये जो नीचे वाला आप स्लैब देख पा रहे हैं ये बेसिकली उसका एक बैंड है पूरा इस बैंड में ये काम करता है सो so, इसको कैसे लगा के दिखाएंगे इसको लगा के दिखाते हैं अब आपको स्टॉक uh, के ऊपर सेम स्टॉक मनापुरम ऑसिलेटर का नाम आर एस आई और देखें हमने इसको लगा दिया है तो इस ऑसिलेटर के ऊपर ये आपका स्टॉक का चार्ट है जो कि कैंडलस्टिक चार्ट है और ये नीचे जो आपने लगाया ये एक आर एस आई है जो कि जीरो से सौ की रेंज में काम करता है अभी फिलहाल अगर आप चेक करें तो ये चौचन पॉइंट छप्पन के करीब चल रहा है यानी कि अपर ट्रेंड की तरफ जा रहा है डायरेक्शन अपर ट्रेंड की तरफ है आ, माना यह जा रहा है कि आर से स्पीड बढ़ रही है रेट ऑफ चेंज इन प्राइस ज्यादा दिखाई दे रहा है स्टॉक ऊपर जा रहे की तरफ बढ़ रहा है सो so ऑब्वियसली जब आप रेट ऑफ चेंज देख जब आपको पता लग गया कि रेट ऑफ चेंज क्या है तो so आप रेट ऑफ चेंज में ऑटोमेटिकली सारा काम कर सकते हैं सो रेट ऑफ चेंज जो है आर uh, दिखाता है आर uh, एस आई बहुत ही पॉपुलर इंडिकेटर में से एक है बहुत ही पुराना इंडिकेटर है uh, किस टाइम फ्रेम पे चलाना चाहिए और uh, दिखाने के लिए तो ये एक ऑसिलेट उसील, दिखा रहा है आपको कि, बट जनरली माना यह जाता है कि ये uh, 30 के आसपास जब आता है तो ये बेसिकली एक ट्वेंटी टू एट्टी की रेंज में चलता है वैसे तो इसकी टोटल स्केल जो है आर uh, का अगर हम स्केल देखें तो ये आर का जो स्केल है वो जनरली जीरो से हंड्रेड का है लेकिन ये जीरो से हंड्रेड तक चाहता नहीं है जैसे कि थर्मामीटर का स्केल नाइनटी एट से एक सौ सात तक का है सो नाइनटी एट भी कम जाता है एक सौ सात जो नॉर्मल उसकी रेंज है वो जनरली नाइनटी नाइन टू एक सौ तीन या चार चलती है इसी तरह इसमें जो डॉटेड लाइन दिखा रही है वे इसकी रनिंग स्केल है ये ट्वेंटी एट्टी के बीच में चल सकता है जनरली सो so, यानी कि माना यह जाता है आर के स्केल में कि अगर ये ट्वेंटी के आसपास आ जाता है डाउन स्केल में आ जाता है तो उसके बाद वहां से बाइंग आनी चाहिए और अगर ये सेवेंटी के स्केल में चला जाता है उसके वहां से इसकी सेलिंग आनी चाहिए यानी कि सिंपल एग्जांपल है गाड़ी अगर 140 की स्पीड पे चल गई चल रही है तो हम मानते ही हैं वो अभी नीचे की तरफ ही जाएगी स्पीड क्योंकि अब रेड लाइट्स आएंगी ब्रेक भी लगेगी अगर गाड़ी 20 की स्पीड पे चल रही है तो हम मानते हैं अब ये बढ़ा सकता है गाड़ी तो यही जान ये ऑसिलेटर्स हैं तो हम भी गाड़ी की स्पीड को भी ऑसिलेटर के थ्रू ही नापते हैं तो जो तो इस ऑसिलेटर के थ्रू अभी क्या बता रहा है करंट सिनेरियो अगर हम देखें तो मनापुरम का फिगर 154 कैसे आया कैसे निकाला गया ये फिगर हर डे का अलग ऑसिलेटर का फिगर हो सकता है सो तो उसको आज आइए अब हम देखते हैं ये फिगर कैसे निकाला जाता है तो इस फिगर को निकालने के लिए हम सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेंगे जो कि एक एस बी आई का एक एग्जाम्पल है कुछ डेटा हमारे पास है एस बी आई का जिसमें डेट एक फिगर एक डेट पैरामीटर है ओपन प्राइस हाई प्राइस लो प्राइस क्लोजिंग प्राइस ये समझ लें सबसे पहले मैथमेटिकल फार्मूला है ऑसिलेटर का ये सामने रख दिया आपके आर एस आई को कैलकुलेट करने के लिए आर एस आई का फार्मूला हंड्रेड माइनस हंड्रेड डिवाइड बाई वन प्लस आर एस वैल्यू दिस इज द टोटल फार्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग आर एस आई सो ये फार्मूला लगा दिया है हमने इस फार्मूला के थ्रू हम आर एस आई को कैलकुलेट करते हैं और इस इसमें हमें एक एक और आउटकम चाहिए जो कि आर एस वैल्यू है सो आर एस वैल्यू निकालने के लिए हमें एवरेज ऑफ चौदह दिन जो कि बड़े बड़े हुए प्राइसेस का चौदह दिन का एवरेज और घटे हुए प्राइसेस का चौदह दिन के एवरेज को आपस में डिवाइड करना है उससे आर एस वैल्यू निकलेगी सो आर एस वैल्यू को निकालने के लिए हम लोग ये फार्मूला यूज करेंगे जो कि नेट पे देखा जा सकता है आर एस आई को निकालने के लिए हम ये फार्मूला यूज करेंगे तो कैसे आप जाएँ आप इंटरनेट पे चले जाएँ आप गूगल कर लें आप गूगल करके चेक करें फार्मूला ऑफ आर तो आपको पता लग जाएगा आर का क्या फार्मूला होता है आप कहीं भी खोलेंगे तो आपको जनरली फार्मूला uh, और फार्मूला ऑफ आर अगर कहीं दिखाएगा तो आपको uh, दिखा हुआ दिखाई देगा किसी भी वेबसाइट में आप चेक कर सकते हैं देखें ये आ गया फार्मूला लिखा हुआ तो ये एक फार्मूला है आर एस आई का हंड्रेड माइनस हंड्रेड डिवाइड बाई वन प्लस आर एस वैल्यू या आर एस वैल्यू को कैलकुलेट करने का एवरेज गेन ऑफ फोर्टीन डेज एवरेज लॉस ऑफ फोर्टीन डेज सो ये एक फार्मूला है तो आइए अब हम इसको मैनुअली कैलकुलेट करके दिखाते हैं जिससे आपको पता लगे एनालिसिस में फार्मूला कैसे लिखे जाते हैं इस फार्मूला के लिए प्री रिक्विजिट है कि आपको ओपन हाई लोअर क्लोज प्राइस चाहिए होता है पहले जो कि हर स्टॉक का कैंडलस्टिक चार्ट हमें देता है So, सबसे पहले अब हम कैलकुलेट करेंगे चेंज चेंज के बाद क्लियर गेन और लॉस फिर आर एस वैल्यू फिर आर एस आई यानी कि इन चार प्राइसेस से हम ये पांच प्राइसेस बनाएंगे और फाइनली आर एस आई तक पहुंचेंगे सो so, आप सबसे पहले चेंज का मतलब होता है पांच मई के प्राइस में चार मई के प्राइस के कंपैरेटिवली कितना चेंज आया सो so, आप देखें एक सौ सत्तर चालीस पैसे का प्राइस पांच मई का था ये पांच मई का प्राइस और एक सौ अठहत्तर यानी कि अमूमन इसमें एक आठ रुपए का चेंज आया है सो so, आप चेंज में हम इन दोनों प्राइजेस को आपस में फार्मूला लगा के माइनस कर देंगे सो so, हमारे सामने एक रेट ऑफ चेंज आ जाएगा जो कि लगभग साढ़े आठ आठ रुपये पैंतालीस पैसे का माइनस में चेंज आया है सो so, पाँच मई को माइनस आठ रुपये का चेंज आया है माइनस में और अगर ये छः जुल छ छः मई को देखेंगे तो ये सत्तर पैसे का प्लस चेंज आया है तो इसी तरह पैंतीस पैसे का माइनस चेंज हर डे का एक चेंज हमने निकाल दिया आपके सामने तो ये हर रोज़ का एक चेंज सामने रख दिया है तो चेंज आ गया है आपके सामने ये हमने एक्सल यूज़ किया है थोड़ा फार्मूला जल जल्दी कैलकुलेट करने के लिए आ, सो आ, अब हम ये जान क्योंकि ये माइनस फिगर है प्राइस घटा है अब हम अब हम एक और फॉर्मूला निकालना चाह रहे हैं जिससे गेन गेन का मतलब होता है कि प्राइस कितने कितना गेन किया है गेन किया है या नहीं एक तो होता है कि गेन किया है अगर गेन किया है तो कितने रुपए किया है नहीं किया तो लॉस कितना किया है सो यहाँ पे तो आठ रुपए पैंतालीस पैसे का लॉस हुआ है सो हमें गेन और लॉस दोनों फिगरें इस प्राइस से निकालनी है हर हर रोज के प्राइस से हमें लॉस और गेन निकालना है वो जो कि दिख रहा है बट वो तो चेंज है बट गेन कैसे निकालेंगे सो so गेन निकालने के लिए हम लोग एक फॉर्मूला और लगाएंगे जो कि हम बोलेंगे कि अगर हम बोलेंगे इफ यहाँ कंडीशन लगाएंगे हम लोग कि अगर ये गेन प्राइस अगर ये गेन प्राइस सो इफ हम फॉर्मूला दोबारा लगाते हैं हम बोलेंगे इफ गेन प्राइस चेंज प्राइस हम एक बार गेन प्राइस को uh, हमने गेन प्राइस इफ कंडीशन लगाएंगे हम लोग सो इफ कंडीशन हम लोग लगा रहे हैं इफ कंडीशन इफ दिस गेन प्राइस इज ग्रेटर देन जीरो अगर ये गेन प्राइस जीरो से ज्यादा है तो ऑब्वियसली गेन uh, में प्रिंट कर दे जीरो से ज्यादा होगा तो ये प्राइस गेन में प्रिंट करे यही वाला प्राइस और अदरवाइज प्रिंट करे जीरो सो गेन तो नहीं हुआ है इस केस में यहां पे गेन हुआ है सत्तर पैसे का तो जहाँ पे गेन है वहां पे गेन आ रहा है जहां पे गेन नहीं हुआ वहां पे जीरो आ रहा है तो ये हमने एक फॉर्मूला लगा के गेन भी कैलकुलेट कर लिया है सो पांच मई वाले दिन गेन नहीं हुआ था जीरो आ रहा है इसका मतलब जीरो गेन छह मई वाले दिन सत्तर पैसे का गेन हुआ है सात मई वाले दिन जीरो पैसे का गेन हुआ है आठ मई वाले दिन जीरो पैसे का गेन हुआ है नौ दिन जीरो तो अब हम लॉस कैलकुलेट करेंगे लॉस कैलकुलेट करने के लिए फिर हम कंडीशन लगाएंगे जिसमें हम वही चेंज वैल्यू लेंगे सी, अगर ये वैल्यू जीरो से कम है सो ये प्रिंट कर दे यही वाला प्राइस ये यही वाला प्राइस प्रिंट कर दे अदरवाइज जीरो प्रिंट कर दे सो तो ये आठ रुपए पैंतालीस पैसे का लॉस है से ये लॉस में फिगर आ गई है तो यहाँ पे यहाँ पे क्योंकि गेन जीरो था और लॉस आठ रुपए पैंतालीस पैसे का आया है इस केस में सो तो यहाँ पे हमने दोनों फिगर कैलकुलेट कर लिया है लॉस और गेन सो तो जहाँ पे गेन जीरो आएगा वहीं पे लॉस आएगा जहाँ पे गेन आएगा वहाँ पे लॉस जीरो आएगा सो तो ऑब्वियसली दोनों में तो एक ही फिगर आएगी अब आर एस वैल्यू के लिए हम फिगर लगा रहे हैं जिसमें एवरेज चौदह दिन सो तो यहाँ से चौदह दिन गिनते हैं एक दिन दो दिन तीन दिन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह सो तो यहाँ पे हम दोस्तों अब चौदह दिन की आर एस वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं जिसमें हम लगा रहे हैं एवरेज 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 ऑफ चौदह दिन अप डेज अप डेज ये हैं आपके इसको हम एवरेज ले रहे हैं सो तो ये दोस्तों ये एवरेज आ गई है आपके पास ये सॉरी हमने अभी आधा कैलकुलेट किया है एवरेज ऑफ चौदह दिन डिवाइड बाय एवरेज ऑफ लॉस सो इसको आपस में डिवाइड किया जाएगा सो so, ये फिगर आपके सामने आ चुकी है दोस्तों ये ये वाली फिगर सत्रह मई की है सत्रह इक्कीस मई की इक्कीस मई की में हमें, हमें पुराने चौदह दिन कैलकुलेट करने जो कि चार मई से शुरू हो रहे हैं हॉलीडेज एक्सक्लूडेड हैं इसमें सो so अब ये सारा डेटा हमारे पास आ चुका है सो so, ये फिगर अब हमने आर एस वैल्यू हमारे पास आ चुकी है जो कि चौथी वैल्यू है और इसके अकॉर्डिंगली अब हम निकालने जा रहे हैं आर एस आई और आर एस आई का फार्मूला फाइनल अब हम लगा रहे हैं हमारे पास सब कुछ मौजूद है और अब हम लगा रहे हैं अपना फाइनल फार्मूला हंड्रेड डिवाइड हंड्रेड माइनस हंड्रेड डिवाइड बाय वन प्लस आर एस वैल्यू इसको थोड़ा सा हम हंड्रेड डिवाइड बाय आर एस्यू दो आर एस आई कैलकुलेट कर ली गई है हमने हर दिन की अलग आर एस आई तो ये जो फिगर्स आप देख पा रहे हैं ये ऑसिलेटर के अकॉर्डिंगली आएंगी जो कि लगभग बीस से अस्सी के स्केल में होनी चाहिए और ये यही चार्ट की फॉर्म में वहां दिखा रहा है अब आपको तो so, यही जो आप यहाँ देख पा रहे हैं चार्ट की फॉर्म में जो ये फिगर्स दिखा रहा है ये इसी वैल्यू से कैलकुलेट हो रही है बट हम इतना मैथमेटिकली कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं आ, ना हमें इतने फार्मूलाज पता हैं तो हम सिर्फ टेक्नोलॉजी यूज करते हैं और हम लोग सिर्फ अपना इंडिकेटर लगाते हैं आर जो कि चौदह दिन की आर पीरियड के हिसाब से कैलकुलेट कर देता है हर दिन का अलग अलग कैलकुलेट कर देता है यानी कि इस दिन का आर वैल्यू ये रहा इस दिन का आर एस ए वैल्यू ये रहा इस दिन का आर एस ए वैल्यू ये रहा हर दिन का आर एस ए वैल्यू लगा हुआ है तो ये ये एक फायदा होता है टेक्नोलॉजी को यूज करने का बट अब अबर हम तो सब कुछ टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू बना सकते हैं तो हम लोग तो सीधा अलर्ट हमने पूरा सिस्टम ही बना दिया आपके सामने की जो कि पूरा एनालिसिस बेस्ड पे बाई सिग्नल जनरेट कर देता है सो तो ये दोस्तों सिस्टम गोल्ड माइन एफेक्ट है जो कि पूरा बाईसेल जनरेट कर देता है टेक्निकल एनालिसिस बेस पे आपको फोरकास्ट बता देता है लगभग हमने इसमें एट्टी परसेंट एकूरेसी देखी है सो so, जो लोग इसमें ट्रेड करते रहते हैं अमूमन मुझे लगता है वो काफी अच्छा मुनाफा कमाते होंगे सो so, आप अपने थ्रू भी आज जान पाए हैं कि एनालिसिस क्या होती है कैसे एनालिसिस जनरेट की जाती है सो so, जो लोग एनालिसिस के थ्रू ट्रेड करना चाहते हैं उनको मैंने आज कुछ नॉलेज लेवल भी दिया है जिससे वो काम करना कर सकते हैं बट जो लोग एनालिसिस नहीं जान रहे हैं और सिस्टम को यूज करके ट्रेड करना चाहते हैं सिग्नल खुद बनाना चाहते हैं नहीं है और हमारे सिस्टम को यूज करना चाहते हैं तो वो भी हमारे से जुड़ के हमारे साथ ट्रेड कर सकते हैं ऑल दो हम खुद इस सिस्टम पे ऐसे ट्रेड करते हैं क्योंकि तो मैनुअल ट्रेडिंग मैनुअल नॉलेज से ट्रेडिंग नहीं की जा सकती उसमें बहुत जैसे आप देखें मैंने आर एस आई कैलकुलेट कर कि, मैंने कितना टाइम लगाया बट अगर इतना टाइम आप लोग लगाएंगे तो तब तक तो स्टॉक निकल जाएगा आपकी रेंज से बाहर सो so, ये टेक्निक है जिससे कि आपको बेसिक्स बताए गए हैं कैसे आर बनती है बाकी टेक्निकल एनालिसिस के सिस्टम्स हम लोग दिखाते रहे हैं आपको सो so, आप लोग उन सिस्टम्स के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं और अमूमन लाइव डेमो भी देते रहते हैं हम वीक डेज में मेरे YouTube चैनल पे सिस्टम के वीडियोस लगे हुए हैं आज थोड़ा नॉलेजेबल वीडियो था क्योंकि हॉलीडे है थोड़ा सा हमने समझाने की कोशिश की है की कैसे आप सिग्नल बना सकते हैं आप हमसे जुड़ सकते हैं इन नंबर्स के ऊपर मेरे YouTube चैनल पे जाके जुड़ सकते हैं ये वीडियो हम शाम को सात बजे लाइव करेंगे अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर सो so, जो लोग अभी नई ज्वाइन कर पाए हैं या आधा मिस कर कर दिया है उन्होंने वो इसको दोबारा रिपीट देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे आ, लिंक ऑलरेडी शेयर करा हुआ है आपसे चैट के ऊपर सो so सब्सक्राइब कर लें चैनल को और नहीं तो इन नंबर पे आप हमसे फोन करके बात कर सकते हैं हम आपसे जुड़ेंगे मैं चैट मैं आपको यूट्यूब चैनल का लिंक दोबारा भेज रहा हूँ आप अगर सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें हम इसको लाइव करेंगे शाम को और एक दो और वीडियोस कल और परसों के वेबिनार्स के हम लाइव करेंगे जिसमें हमने लाइव ट्रेडिंग दिखाई है आपको कैसे सिग्नल जनरेट कराए लुपिन और मनापुरम के ऊपर वो आप देख पाएंगे सो so आप अभी जाए और सब्सक्राइब कर लें और अगर कोई और क्वेरी आप आपसे मेरे से करना चाहते हैं तो आप YouTube या इन नंबर्स पे फोन करके ले सकते हैं सो so आप मंडे दोस्तों एक बजे आपसे वापस जुड़ेंगे लाइव ट्रेडिंग सेशन के लिए तब तक के लिए थैंक यू and uh, take care goodbye thanks for attending webinar you can contact us on the numbers shown here do subscribe our channel for regular updates kindly read the disclaimer carefully